तो चलिए, तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्वांटम नंबर। क्या शुरू करेंगे? क्वांटम नंबर। बेसिकली ये जो क्लासेस होंगी, क्वांटम नंबर 3 आवर्स लगेगा तो ये फाइनली खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कल तक आपका ये टॉपिक को खत्म करा दिया जाए। यही हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है ना। तो एक बार थोड़ा हमारे साथ में रिवाइज कर लीजिए आप लोग। हम लोग बताइए कितना एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे भाई? 4 एटॉमिक मॉडल है और 4 ही टॉपिक है। अगर आपको याद होगा, ये पूरा चैप्टर में अगर हम लोग बात करें तो 4 एटॉमिक मॉडल है और 4 टॉपिक है। पहला एटॉमिक मॉडल क्या था भाई? जे जे थॉमसन का था। उसके बाद सेकेंड एटॉमिक मॉडल हमारा रदरफोर्ड का था, और रदरफोर्ड और बोर मॉडल में 2 टॉपिक आई थी, सब टॉपिक जिसको हम लोग बोलते बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है ना, और दूसरा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और दोनों थ्योरी से एक कंक्लूजन निकल के आया था, तो लाइट का नेचर कैसा होता है, लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, और जो फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे उसका फॉर्मूला क्या था, ई इज इक्वल टू एन एच न्यू इज इक्वल टू एन एस सी बाई लैम्डा। उसके बाद हमने बोर मॉडल के बारे में पढ़ा था, और बोर मॉडल के लिए हम लोग ऑर्बिट, बोर मॉडल बेसिकली किसके लिए क्या बता रहे थे, ऑर्बिट के बारे में, और उस ऑर्बिट से 5 कैलकुलेशन कर रहे थे। पहला तो उसका एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट कर रहे थे, उसकी रेडियस, उसकी वेलोसिटी, उसकी एनर्जी, और जो फोर्थ फिफ्थ पॉइंट क्या था भाई, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट कर रहे थे। क्लियर है ना भाई? उसके बाद हमारी डी ब्रोगली का कंसेप्ट था, जिस प्रकार लाइट का ड्यूअल नेचर होता है उसी प्रकार कोई भी मूविंग पार्टिकल होता है उसका ड्यूअल नेचर होता है। क्या क्लियर है ना? उसके बाद हमारा डी ब्रोगली का कंसेप्ट बहुत ही आसान था, समझ पा रहे हैं ना? कोई भी पार्टिकल मूव कर रहे थे उसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट कर रहे थे, उनकी काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे थे। फिर हमारा एक था हाइजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। तो बताइए हाइजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल में क्या था कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजिशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ में नहीं बताया जा सकता है। उनके लिए उनका एक फॉर्मूला था, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, या हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। उसके बाद हमारा क्या आएगा भाई, क्वांटम नंबर। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो यही हमारा लास्ट टॉपिक है भाई, और इसको ध्यान से सुनना है। हमने जितना एटॉमिक मॉडल पढ़ा उसमें कुछ ना कुछ गलतियां था, जे जे थॉमसन में भी गलती थी, रदरफोर्ड में भी कुछ गलत था, बोर मॉडल में भी बहुत सारी गलतियां हैं, है कि नहीं? क्योंकि वोर मॉडल तो भाई सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही तो वैलिड है। वोर मॉडल इज ओनली अप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पेस। लेकिन हमारा जो ये क्वांटम नंबर है भाई, ये जो मॉडल है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। किसके लिए भाई है? मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। तो ये जो क्वांटम नंबर होता है वो कितने प्रकार का होता है भाई? 4 प्रकार का। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा क्या होता है भाई, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और थर्ड क्या होता है भाई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ क्या होता है भाई, स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए ये क्वांटम नंबर क्या होता है, बेसिकली कोई भी एटम के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका एड्रेस बताता है ये क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर से क्या होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन के अंदर में, मान लो कोई भी एटम के अंदर में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका एड्रेस क्या होगा, और यही 4 नंबर उसका क्या बताता है भाई, एड्रेस बताता है। समझ पा रहे हैं ना? किसी भी एटम के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसका एड्रेस बताता है कौन कौन सा नंबर भाई, 4 नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? ये बेसिकली एड्रेस बताता है। जैसे मान लीजिए ये क्लासरूम का, मान लो ये दुनिया में भाई इस क्लासरूम का या इस बिल्डिंग का कुछ ना कुछ लोकेशन तो होगा ही होगा। सबसे पहले बोलेंगे कि ये जो बिल्डिंग है वो इंडिया में है। बोलो बोले, इंडिया का कौन सा स्टेट में है भाई, अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर में कौन सी सिटी में है, तो आप बोलते हैं पासीघाट में है। और पासीघाट आने के बाद क्या इसका कुछ ना कुछ बिल्डिंग का तो नाम होगा, है कि नहीं? तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई देखो अगर बिल्डिंग की लोकेशन बतानी है तो हमको सबसे पहले उसका कौन सा कंट्री में है और स्टेट क्या होगा, सिटी क्या होगा और उसका बिल्डिंग का लोकेशन क्या होगा, उसी प्रकार एटम के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, समझ पा रहे हैं ना, एटम के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसका हमको एड्रेस चाहिए। तो एड्रेस बताने के लिए ये 4 क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ना होता है। क्या समझ पा रहे हैं क्या? जैसे यहाँ में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है भाई, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो सेल के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? सेल के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर सब सेल के बारे में बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा किसके बारे में बताता है भाई, ऑर्बिटल के बारे में बताता है। और स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का स्पिन के बारे में बताता है।
समझ पा रहे हैं ना, स्पिन क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। जैसे कि एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे मान लो लिखा है भाई सोडियम, तो बताइए सोडियम जो है आप बोर मॉडल से बाहर निकल चुके हैं भाई, बोर मॉडल में तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए सारी कैलकुलेशन की जा रही थी, लेकिन अगर हम बात करें सोडियम तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 11। इसमें इलेक्ट्रॉन मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए ये कंसेप्ट वैलिड है और ये पूरा सही है भाई, हमारा जो एटॉमिक मॉडल है ये पूरा सही है। तो मैक्सिमम आपका जो क्वेश्चन होगा ना भाई इसी टॉपिक से आता है, और हर साल एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आ ही जाता है, समझ पा रहे हैं कि आप लोग, क्योंकि इसमें थोड़ा भी गलती नहीं है। आपने जितना भी एटॉमिक मॉडल पढ़ा था उसमें कुछ ना कुछ गलतियां थी, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, इसमें कुछ भी गलती नहीं है और ये मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए भी वैलिड है। अगर हम बात करें सोडियम का, तो आप लोगों को मालूम होगा कि सोडियम ये न्यूक्लियस होता है और फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा भाई, 8, और थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1। समझ पा रहे हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन होगा फर्स्ट ऑर्बिट, फिर सेकेंड में 8, फिर नेक्स्ट में क्या होगा, इसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर में कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। जैसे मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है सेल के अंदर में, सब सेल के अंदर में ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं वो सेल के अंदर, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, और वो इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज घूम रहा होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। समझ पा रहे हैं क्या भाई, और उसी को बताने के लिए 4 क्वांटम नंबर पढ़ना अनिवार्य होता है। जब ये 4ों क्वांटम नंबर के बारे में आप पढ़ लेंगे तो आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कहाँ होगा। समझ पा रहे हैं भाई, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है भाई, एक लेटर है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, एक लेटर है और लेटर में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, n=3, l=1, m=0 और s की वैल्यू जो है, s की वैल्यू लिखा है +1/2। थोड़ा सा समझिए भाई, एक एग्जांपल से हम लोग पूरा ये क्वांटम नंबर को एक ही एग्जाम्पल से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको बार बार रिविजन होते रहेगा। जैसे मान लीजिए एक लेटर है भाई, लेटर समझ रहे हैं ना, चिट्ठी, इस पे कुछ लिखा हुआ है लेकिन आपको ये पढ़ना अभी नहीं आता है कि एन का वैल्यू 3 लिखा है, एल का वैल्यू 1, इसका क्या मतलब है, और आपको क्या करना है, आप एक पोस्टमैन है, समझिए एक पोस्टमैन है और आपको एक लेटर दिया गया इसको पोस्ट करने के लिए। अरे भाई जब तक ये एड्रेस नहीं पढ़ पाएंगे तो आप किसको देंगे, समझ पा रहे हैं क्या भाई। तो मान लीजिए यहाँ में हमारा क्या है भाई, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिट में मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये आपका ये क्या है भाई, एक लेटर, लेकिन अभी लेटर को अभी पढ़ना आपको नहीं आता है। जब ये लेटर को पढ़ना आ जाएगा ना भाई, तो जब ये तुम सब कुछ पढ़ के बता सकता है, तो अगर ये लेटर पढ़ना आ जाएगा तो आपको क्वांटम नंबर भी आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, तो सबसे पहले ये जो लेटर पे लिखा हुआ n=3, l=1, m=0 और s का वैल्यू 1/2 लिखा है, अगर ये पढ़ना आ जाएगा तो ये लेटर को आप पोस्ट कर सकते हैं। अगर पढ़ना ही नहीं आएगा तो आप कैसे पोस्ट कर पाएंगे, समझ पा रहे हैं क्या भाई। तो बेसिकली क्या है कि एक लेटर है और लेटर में कुछ नंबर लिखा गया है, नंबर क्या क्या हो सकता है भाई, एन हो सकता है, एल हो सकता है, एम हो सकता है और एस हो सकता है, और लेटर पे कुछ लिखा होगा और इस लेटर को आपको दे दिया जाए पोस्ट करने के लिए। जब तक इसका इंफॉर्मेशन ही नहीं, आपको पढ़ना ही नहीं आता है, तो आप किसको पोस्ट कर पाएंगे। तो अगर लेटर पे जो लिखा हुआ है अगर वो आप पढ़ना सीख जाएंगे तो आप तो आराम से पोस्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं भाई। तो यही देखना है कि मान लो एक बॉक्स है, उसमें एन लिखा है, एन की कुछ वैल्यू है, एल की कुछ वैल्यू है, एम की कुछ वैल्यू है, एस की कुछ वैल्यू है, और इसको कैसे पढ़ना है, ये सेल को बताएगा कि सब सेल को बताएगा कि किसको बताएगा। अगर पढ़ना आ जाएगा ना भाई, ये चार ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ना आ जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि आपका क्वांटम नंबर खत्म हो गया। समझ पा रहे हैं ना भाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला क्वांटम नंबर से शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट का नाम क्या है भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कॉपी कर लीजिए ये, मतलब क्वांटम नंबर 4 प्रकार का होता है। अगर लेटर पे लिखा हुआ वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या वो किसी इलेक्ट्रॉन तक आप पोस्ट कर पाएंगे, उसकी एड्रेस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है भाई, ये लिखा हुआ जो एड्रेस है उसको पढ़ना आना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना भाई, तो आप थोड़ा विश्वास रखिए, लास्ट लास्ट तक तो आप पढ़ना सीख जाएंगे इसका मतलब क्या है। लग रहा है कि 4 क्वांटम नंबर लिख लिए होंगे आप लोग, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई, पहला हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो एन होता है भाई, एन जो होता है वो सेल को बताता है,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? सेल को बताता है, ऑर्बिट को बताता है, ऑर्बिट का साइज को बताता है। समझ पा रहे हैं ना भाई? तो ऑर्बिट के बारे में तो कैलकुलेशन पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी रेडियस क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, क्या ये कैलकुलेशन हम लोग पहले भी सीख चुके थे? तो जो एन होता है वो किसको बताता है? सेल को। और सेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 2 3 4, समझ पा रहे हैं क्या? और उसको किससे लिखा जाता है भाई? KLmn। क्या इसका हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं क्या? MvR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। अगर इलेक्ट्रॉन 6 ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम 6H अपॉन 2 पाई होगा कि नहीं होगा? और कोई भी बताइए, एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है भाई? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH सेल फॉर्मूला क्या होता है? 2n2। अगर आपसे कोई बोलेगा क्या यहाँ से आप उस ऑर्बिट की रेडियस भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, एनर्जी भी निकाल चुके हैं, क्या ये पहले हम लोग पढ़ना सीख गए हैं ना? तो आप मुझे बताइए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है भाई? 2n2। 2n2। अगर आपसे कोई पूछा जाएगा भाई बताइए, यहाँ में हमारा सेल लिखा है और यहाँ में आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालना है, जैसे अगर आपसे कोई बोलेगा फर्स्ट सेल, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बताइए? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला तो 2n2 है ना भाई। तो एन को रखेंगे तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। सेकेंड सेल में बताइए, 4 2 जा 8। थर्ड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा भाई? 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18। और फोर्थ सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 36। तो कोई भी सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा उसका निकालने का फॉर्मूला क्या ही है? 2n2। भाई ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं ना, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, किसके बारे में बताता है? सेल के बारे में बताता है। क्या सेल से रिलेटेड तो हम लोग को 5 कैलकुलेशन तो आता ही है। क्या क्या कैलकुलेशन आता है? रेडियस निकाल सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना भाई? उसकी एंगुलर मोमेंटम निकाला जा सकता है, समझ पा रहे हैं ना? फर्स्ट सेल होगा तो KLmn से डिनोट किया जाता है, और उसका जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना हो सकता है, एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, फॉर्मूला इज 2n2। क्या कॉपी हो गया? देखिए भाई, हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता करना है तो आपको 4 क्वांटम नंबर पता होना चाहिए। कौन कौन सा? NLmS, मतलब सेल के अंदर, सब सेल के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का रोटेशन क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है? समझ पा रहे हैं ना भाई? ये एक के अंदर एक होते रहता है। जिस प्रकार कंट्री के अंदर स्टेट होता है, स्टेट के अंदर में क्या होता है बताओ? सिटीज होगा, होगा कि नहीं होगा? तो अगर मैं बोलूंगा बताइए ऑर्बिट कितने हो सकते हैं, अरे भाई ऑर्बिट तो इनफाइनाइट हो सकता है। क्या हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाए थे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ डैश डैश इनफाइनाइट ये थे कि नहीं भाई? तो ऑर्बिट तो इनफाइनाइट ना हो सकता है, कुछ समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, तो यहाँ से कॉपी हो गया होगा। चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है भाई? एल। सेकेंड क्वांटम नंबर क्या है भाई हमारा? एल। एल का नाम क्या है? एजोमोथल क्वांटम नंबर। ये सबसेल के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? सबसेल के बारे में, मतलब सेल के अंदर सबसेल होता है, सेल के अंदर सबसेल होता है। कौन बताता है? एजोमोथल क्वांटम नंबर। समझ पा रहे हैं ना? सबसे पहले देखो, अगर n इज इक्वल टू 4 लिखा है तो आप बताओ कहाँ जाएंगे? फोर्थ सेल में जाएंगे। कहाँ में जाएंगे भाई? फोर्थ सेल में जाएंगे। और सेल के अंदर क्या होता है भाई? सबसेल। और सबसेल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। सबसेल हमारा क्या होगा? सबसेल जो होता है S हो सकता है, P हो सकता है, D हो सकता है, F सबसेल हो सकता है। सबसेल कितने होते हैं भाई? SPDF। क्या होते हैं भाई? SPDF। S सबसेल, P सबसेल, D सबसेल, F सबसेल। भाई आप लोग पूरा बोर्ड पे ध्यान देके एक्टिव रहना है, मैं कभी भी पूछ सकता हूँ, आपको पूरा याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वांटम नंबर। देखिए S सबसेल, P सबसेल, D सबसेल, F सबसेल। अच्छा बताइए, उसके लिए L की वैल्यू डिफाइन की गई है। S सबसेल के लिए L की वैल्यू 0 होती है। कितनी होती है भाई? 0 हो सकती है। P के लिए कितनी होती है? 1। D के लिए कितनी होती है? 2। F के लिए कितनी होती है भाई? 3। फिर उसी प्रकार जैसे KLmn होता है, उसके बाद OPQRS चलेगा, उसी प्रकार SPDF होगा, फिर GHIJ, इसके लिए एक एक वैल्यू बढ़ाते रहेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? क्या हमारा कौन कौन सा सबसेल होता है? S होता है, P होता है, D होता है, F होता है। F के बाद कौन सा सबसेल? G। G के बाद H, H के बाद K। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? उसके लिए L की वैल्यू क्या होती है? S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए L की वैल्यू 2, और F के लिए L की वैल्यू कितनी होती है भाई? 3 होती है। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? और थोड़ा सा ध्यान देना है, जो L होता है, जो मुतल क्वांटम नंबर, वो सबसेल के बारे में बताता है,
सबसेल का शेप के भी बारे में बताता है। हर एक सबसेल का एक नाम होता है, जैसे एस का नाम होता है स्फेरिकल, क्या नाम होता है भाई स्फेरिकल, एस सबसेल आर स्फेरिकल इन शेप, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे। और पी कैसा होता है भाई डंबल, कैसा होता है भाई डंबल। और डी सबसेल का शेप कैसा होता है डबल डंबल, कैसा होता है भाई डबल डंबल। और एफ कैसा होता है कॉम्प्लेक्स, कैसा होता है भाई। अच्छा अगर इनके नाम बोले जाए तो एस कैसा होता है भाई, एस होता है स्फेरिकल, एस का शेप का नाम क्या होता है स्फेरिकल, और पी का नाम क्या होता है डंबल, क्या नाम होता है भाई डंबल शेप, इनका शेप कैसा होता है डंबल। और डी का कैसा होता है भाई डबल डंबल, डबल डंबल। और एफ का नाम, एफ का जो सबसेल होता है वो कैसे होते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई। जल्दी से क्या रट लेंगे, अगर मैं बोलूं डी के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, डी सबसेल के लिए एल का वैल्यू क्या होगा टू होगा, क्या आपको याद होना चाहिए ना। अच्छा मुझे बताइए सेल के अंदर में सबसेल होता है, सेल के अंदर में सबसेल होता है, तो अगर मान लो कोई भी सेल के अंदर में कितना सबसेल होता है उसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूला होना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं बोलूंगा सेकेंड सेल एन इक्वल टू टू, तो उसके अंदर में कितना सबसेल होगा निकालने के लिए तो फॉर्मूला होना चाहिए ना भाई। तो फॉर्मूला क्या है ध्यान दीजिएगा, एल की जो वैल्यू होती है, क्या एल की जो वैल्यू होती है, देखिए एल की जो वैल्यू होती है वो जीरो से लेके एन माइनस वन तक होती है। एल की वैल्यू कहां से कहां तक होती है भाई, जीरो टू एन माइनस वन। अगर मान लो आपको क्या निकालना है सबसेल निकालना है, तो सबसेल निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, जीरो से लेके एन माइनस वन तक होगा, क्या आप समझ पा रहे हैं। अगर मैं बोलूं एन इक्वल टू टू, क्या बोला जाए भाई एन इज इक्वल टू टू, तो एल की वैल्यू कितनी हो सकती है, अगर एन का वैल्यू टू डालेंगे तो एल की वैल्यू क्या जीरो से लेके वन तक होगी, मतलब या तो जीरो होगा या तो वन होगा। अच्छा बताइए अगर मैं बोलूं सेल के अंदर में क्या है भाई, सबसेल है, और सबसेल निकालने का फॉर्मूला क्या है बताइए, जीरो टू एन माइनस वन। तो अगर मैं यहां में लिखूं भाई सेल, और यहां में लिखा जाए एल, ठीक है, जैसे मान लो यहां में सेल है और उसकी एल, सेल का मतलब समझ पा रहे हैं ना एन की वैल्यू, समझ पा रहे हैं ना, तो सेल का मतलब एन होगा और एल की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं बोलूं एन की वैल्यू वन है तो एल की वैल्यू क्या होगी बताइए भाई, एल एन, अगर एन का वैल्यू ही वन है तो एल का वैल्यू जीरो से जीरो होगा, मतलब क्या ही हो जाएगा जी। अगर एन इक्वल टू टू तो बताइए कितने सबसेल होंगे, अगर एन का वैल्यू टू डालेंगे तो क्या जीरो भी होगा और वन भी होगा, क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई। अगर थर्ड सेल की बात करूं एन इक्वल टू थ्री, सेल है ना भाई, सेल है या ऑर्बिट है, अगर एन का वैल्यू थ्री डालेंगे यहाँ में तो एल की वैल्यू जीरो से लेके कहां तक होगी, और जीरो से लेके टू का मतलब जीरो भी होगा वन भी होगा टू भी होगा, क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई, जीरो भी होगा वन भी होगा टू भी होगा। अच्छा अगर एन इक्वल टू फोर बोला जाए तो बताइए क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू जीरो से लेके थ्री तक, और जीरो से लेके थ्री तक का मतलब जीरो भी होगा वन भी होगा टू भी होगा थ्री भी होगा, क्या आप समझ पा रहे हैं क्या। अगर एन एन की वैल्यू फाइव होगी तो क्या होगा बताओ, जीरो होगा वन होगा टू होगा थ्री होगा फोर होगा। अगर मान लो सिक्स है तो क्या होगा, जीरो होगा वन होगा टू होगा थ्री होगा फोर होगा फाइव होगा, क्या आप समझ पा रहे हैं क्या। अच्छा इसका नाम क्या है भाई, इस सब सेल का नाम क्या है, जैसे ध्यान से देखेंगे मान लो एल इक्वल टू जीरो पे कौन सा सबसेल होता है भाई एस, लेकिन लिखा है एन इक्वल टू वन, तो इसको बोलेंगे ये सबसेल है वन एस, क्या होगा बताइए वन एस। अगर मैं बोलूं एन इज इक्वल टू टू है तो कितने सबसेल हैं दो, एक तो एस है और पी है, तो क्या नाम हो जाएगा टू एस टू पी, क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई, ये देखो टू है ना भाई तो टू एस टू पी, अगर n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू 0 1 2 हो सकता है, मतलब s p d f, मतलब क्या हो जाएगा भाई 3s 3p 3d, मतलब अगर हमारा सेल 3 है तो सबसेल भी कितना आ रहा है 3, अगर सेल 2 है तो सबसेल भी कितना है 2, अगर सेल 5 है तो सबसेल भी कितना आ रहा है 5, अगर सेल हमारा 10 होगा तो सबसेल भी 10 आएगा, अगर सेल हमारा 50 है तो सबसेल भी 50 होगा, अगर सेल इनफाइनाइट है तो सबसेल भी इनफाइनाइट होगा, क्या सबसेल भी इनफाइनाइट हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई। देखिए अगर मैं बोलूं n का वैल्यू 4 है तो l का वैल्यू 0 1 2 3 होगा कि नहीं होगा, और 0 के लिए s, l का वैल्यू 0 होगा तो s p d f, तो क्या होगा भाई 4s 4p 4d 4f, इतने सबसेल होंगे, मतलब सेल के अंदर में इतने सबसेल होंगे, समझ पा रहे हैं ना। तो फोर्थ सेल में 4 सबसेल होगा, कौन कौन सा होगा 4s 4p 4d 4f। अगर 5 की बात करें तो बताइए क्या होगा 5s 5p 5d 5F है ना, अब F के बाद क्या देगा भाई G, क्योंकि आप लोग S P D F ही तो याद किए थे ना भाई, F के बाद क्या होता है G, और G के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो क्या हो जाएगा बताइए 5G।
अब इसके लिए क्या हो जाएगा बताइए, 6s 6p 6d 6f 6g, जी के बाद क्या हो जाएगा भाई, जी के बाद एच ही होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपने ये देखा कि जितने हमारे सेल होंगे उतने ही सब सेल होंगे। अगर सेल किसी ऑर्बिट में, अगर हम बात करें कि 10th ऑर्बिट है, तो उसमें कितने सब सेल होंगे, 10 सब सेल होंगे। अच्छा आप लोग बताइए, क्या आप लोग ने केवल यही 4 सब सेल के नाम सुना होगा, एस पी डी एफ? भाई सुनने का भी रीजन, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ में 5G आ गया। क्या आ गया भाई? 5G। और यहाँ में 6G आ गया, 6H आ गया। भाई ये वो सबसे, ये वो जगह है भाई। ये कभी कभी क्या होता है भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो उसमें कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ही ब्लॉक होता है, एस पी डी एफ, 4 ही तो ब्लॉक है ना भाई, मतलब 4 ब्लॉक है। मतलब उसमें कितना, अगर हमारा इलेमेंट, अभी कितनी इलेमेंट की डिस्कवरी हुई है, 180 इलेमेंट की डिस्कवरी हुई है, तो उनके लिए 4 ही सबसेल जरूरी है भाई। 4 ही सबसेल में उनको पूरा फिल कर दिया गया, पता चला कि कल और 100 इलेमेंट की डिस्कवरी हो गई, भाई 100 इलेमेंट को एसपीडीएफ में तो खाली ही जगह नहीं है, तो उनके लिए कुछ नया नाम देना पड़ेगा। तो उनका नाम क्या देना पड़ेगा भाई, जी सबसेल में रखना पड़ेगा, एक नया पीरियोडिक टेबल में जगह इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जी। और जी फिल हो जाएगा तो फिर क्या आएगा, एच। और एच होने के बाद फिर क्या आएगा भाई, कंटिन्यू आगे चलते रहेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो अभी हमारा 118 इलेमेंट के लिए 4 ही सबसेल होगा, एस पी डी एफ जी, और इससे ज्यादा इलेमेंट की डिस्कवरी होती है तो ये सबसेल होंगे, 5G हो जाएगा, मतलब जी सबसेल होगा, एच हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या आप? ये वो सबसेल है भाई जो अभी क्या है, खाली है। कभी कभी देखते हैं ना आप लोग का घर का आसपास में भी एक बिल्डिंग होता है, उसमें ताला मारा होता है, कोई रहता ही नहीं, समझ पा रहे हैं ना? तो ये भी लोकेशन, ये भी हमारा क्या है भाई, सबसेल तो है लेकिन यहाँ में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहता है, समझ पा रहे हैं ना? ये खाली जगह है। तो कहने का ये मतलब है, आपने क्या समझा, कि अगर हमारा फोर्थ सेल है तो उस फोर्थ सेल के अंदर में 4 सबसेल होगा। कौन कौन सा होगा भाई? 4s 4p 4d 4f। अगर मैं बोलूं, मान लो लेटर में लिखा है n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 1, तो अब तो तुमको पढ़ना आ गया ना भाई, अगर लेटर पे लिखा था n इज इक्वल टू 2 l इज इक्वल टू 1, तो बताइए n इक्वल टू 2 में क्या हो गया भाई, सेकेंड सेल। और सेकेंड सेल के अंदर में कितने सबसेल होता है, दो। कौन कौन सा? 2s 2p। क्या समझ पा रहे हैं ना भाई? तो ये देख के तुम पता करेगा ना भाई, बताओ तुम 2s में जाएगा कि 2p में जाएगा? अरे भाई 2s में जाएंगे, 2p में जाएंगे। अब इतना पढ़ाने के बाद नहीं बता रहे तो क्या होगा? देखिए, क्या p के लिए l का वैल्यू तो 1 ही है ना, तो अगर l इक्वल टू 1 लिखा है तो कहाँ में जाना है, 2p में जाना है। तो अगर मान लो लेटर पे 4 नंबर ना लिखा था ना भाई, तो क्या 2 लेटर तो पढ़ना आ गया कि हमको जाना कहाँ है, कौन सी सबसेल की बात की जा रही है। जैसे मान लीजिए, अगर मान लो यहां में लिखा है n इज इक्वल टू 6, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू -1, s इज इक्वल टू +2, ऐसा लिखा था ना भाई, वो लेटर पे ही 4 नंबर लिखा था। लेकिन क्या ये 2 के बारे में तो मैंने नहीं ना पढ़ाया अभी, लेकिन क्या ये 2 पढ़ के तो आपको समझ में आ रहा है कि जाना कौन सा सेल में है और कौन सा सबसेल में जाना है? बताइए, पहले आप n इज इक्वल टू 6 लिखा है तो आप कौन सा सेल में जाएंगे भाई, 6 सेल। और 6 सेल में जाएंगे तो उसमें 6 सबसेल होगा, कौन कौन सा सबसेल होगा, 6s 6p 6d 6f 6g 6h, इतना सबसेल हो जाएगा। और l इज इक्वल टू 2 किसके लिए होता है भाई, d के लिए, तो आप कहाँ चले जाएंगे, 6d में। कहाँ में चले जाएंगे भाई, 6d में। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई? क्या आपको 2 क्वांटम नंबर पढ़ना आ गया? कॉपी करेंगे, हो गया ना? चलिए ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोई भी सेल में मैक्सिमम, कोई भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2n² कितना है भाई, 2n². उसी प्रकार एक सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल इज इक्वल टू क्या होता है, 2 × 12 + 1। क्या होता है भाई, 2 × 12 + 1 फॉर्मूला है, याद रखना है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल इज इक्वल टू 2 × 12 + 1। मतलब कोई भी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, 2 × 12 + 1। समझ पा रहे हैं क्या भाई? जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लो हमारा सबसेल क्या है, सबसेल है एस पी डी एफ, है ना? मान लीजिए सबसेल एस पी डी एफ है। अच्छा बताइए, एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी भाई, इसके लिए तो 0 होगा। P के लिए L की वैल्यू कितनी होगी,
वन, और डी के लिए एल की वैल्यू टू, और एफ के लिए कितना हो जाएगा भाई, थ्री। और उसमें आपको देखना है कि उसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एस में मैक्सिमम, एस सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा। आप क्या करेंगे, या मैं एस की वैल्यू मतलब एल की वैल्यू जीरो डाल दीजिए, या मैं तो टू इंटू जीरो वन इंटू टू कितना आ जाएगा बताइए, टू आ जाएगा कि नहीं। फॉर्मूला ही नहीं तो डालना है ना भाई, एल का वैल्यू जीरो डालेंगे तो टू इंटू जीरो जीरो प्लस वन वन, वन मल्टीप्लाई बाई टू कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। बताइए पी में, पी में एल की वैल्यू, पी सबसेल के लिए एल की वैल्यू तो वन है ना भाई, अगर एल की वैल्यू यहाँ में वन डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, टू प्लस वन थ्री, थ्री मल्टीप्लाई बाई सिक्स कितना हो जाएगा, थ्री मल्टीप्लाई बाई टू कितना हो जाएगा सिक्स। तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा सिक्स, इसमें कितना हो जाएगा भाई टेन, और इसमें कितना हो जाएगा फोर्टी। क्या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, टू टाइम्स ट्वेल्व प्लस वन। याद रखिएगा एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है दो, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सिक्स, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन टेन। अरे भाई आप लोग लिखते होंगे वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, तो पी में छह डालते थे ना भाई। हाँ तो एस में दो इलेक्ट्रॉन, पी में छह इलेक्ट्रॉन, डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन भाई दस, और एफ सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भाई फोर्टीन, कितना हो जाएगा फोर्टीन। और जी में कितना हो जाएगा भाई, अरे देखिए फोर फोर का तो गैप है, तो फोर्टीन प्लस फोर कितना हो जाएगा एट्टीन। मतलब अगर नहीं है तो फॉर्मूला डालिए, फोर टू जा एट प्लस वन नाइन, नाइन मल्टीप्लाई बाई टू एटीन इलेक्ट्रॉन। क्या आप समझ पा रहे हैं, तो क्या आपको एल के बारे में समझ में आया, एल क्या होता है भाई, सबसेल के बारे में बताता है, समझ पा रहे हैं ना, शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ सबसेल के बारे में बताता है कि एस का शेप कैसा है, पी का शेप कैसा है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई। और ये कभी कभी ये जो होता है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को भी बताता है, किसको भी बताता है भाई, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को भी बताता है। ठीक है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा एल किसको किसको बताता है भाई, सबसेल को, शेप को, शेप ऑफ सबसेल या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, किसको भी बताता है भाई, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को। लिख लीजिएगा, कभी कभी मान लो ऑप्शन में आया है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कौन बताता है, एन एल एम एस, तो कौन बताता है भाई, एल बताता है, एल एल क्या बताता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है भाई एंगुलर मोमेंट, देखिए हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है, एक टोटल मोमेंटम तीन ही आएगा, एक तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, एक तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आएगा, और एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम आएगा। बाद में हम लोग एक साथ में तीनों मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, क्या आगे बढ़ा जाए ना भाई। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड क्वांटम नंबर के बारे में, जिसका नाम क्या है भाई, एम। क्या है नाम, एम। तो देखिए अगर मैं बात करूं भाई, जैसे आप लोगों को मालूम होगा क्या, एस सबसेल कितना टाइप्स का होता है भाई, एक ही होता है। पी का कितना ऑर्बिटल होता है, पी तीन टाइप का होता है अगर आपको याद हो तो, डी ऑर्बिटल पांच टाइप्स का होता है अगर याद हो तो, एफ सेवन टाइप्स का होता है ना। ठीक है अभी आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा अगर मान लो लिखा है एन इज इक्वल टू फाइव, एल इज इक्वल टू वन लिखा है, एन एन इज इक्वल टू फाइव और एल इक्वल टू वन लिखा है, तो बताइए ये तो पढ़ना आ गया कि हमको फिफ्थ सेल में जाना है, और फिफ्थ सेल में भी बहुत सारा सबसेल होगा, तो कौन सा वाला सबसेल पे जाएंगे, फाइव पी में। तो क्या ये हमारा होगा फाइव एस, फाइव पी, फाइव डी, फाइव एफ, होगा कि नहीं होगा भाई, और क्या हो जाएगा भाई फाइव जी, क्योंकि एन इज इक्वल टू जितना सेल उतना ही सबसेल होता है। अगर सेल पांच है तो सबसेल भी कितना होगा भाई पांच, और उस पांच सबसेल में कौन किस में जाना है बताइए, 5p में, किसमें जाएंगे भाई 5p में। तो पता चला भाई 5p में गए तो इस p के अंदर में तीन डबा था, p के अंदर भी तीन डबा था, मतलब उस डबा का इंफॉर्मेशन के बारे में हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। कौन बताता है भाई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में बताता है, किसके बारे में भाई, ऑर्बिटल के बारे में बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, ऑर्बिटल के बारे में, इस डब्बा के बारे में कौन बताएगा, इंफॉर्मेशन देगा कौन देगा भाई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर मैं बोलूं भाई देखिए सेल से सबसेल निकालने का फॉर्मूला क्या था, अगर सेल है तो कितने सबसेल होंगे, एल इज इक्वल टू क्या था जीरो टू एन माइनस वन, क्या एल की तो यही फॉर्मूला था ना भाई जीरो टू एन माइनस वन। लेकिन अगर हमको सबसेल पता हो गया और सबसेल से ये डब्बा पता करना है, मतलब सबसेल से ऑर्बिटल पता करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, m इज इक्वल टू क्या होता है भाई, m इज इक्वल टू माइनस एल टू प्लस है, m इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, माइनस एल से प्लस है।
तो सबसेल से ऑर्बिटल पता करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, एम इज इक्वल टू माइनस एल टू प्लस एल हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? जैसे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, अगर मैं लिखूं एल और इसकी एम की वैल्यू लिखूं, समझ पा रहे हैं ना, ऑर्बिटल को ऑर्बिटल कौन बताता है भाई, बताइए ऑर्बिटल के बारे में कौन इंफॉर्मेशन दे। ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, एम इज इक्वल टू क्या है बताइए, माइनस एल से प्लस एल। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में बताता है। जैसे आप देखिए भाई, जैसे यहां में मान लो लिखा है एल, यहां में लिखा है एम, जैसे मैं बोलूं एस सब सेल पी डी एफ, तो बताइए एस के लिए एल की वैल्यू क्या ही होती है भाई, जीरो। पी के लिए एल की वैल्यू वन टू थ्री, किसी को डाउट नहीं है ना भाई। अगर बताइए एल जीरो है तो एम की वैल्यू माइनस जीरो से प्लस जीरो होगा, मतलब कितना ही हो जाएगा। अगर एल इज इक्वल टू वन है, अगर एल का वैल्यू वन डालेंगे तो एम की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन टू प्लस वन, तो क्या क्या हो सकता है भाई, माइनस वन जीरो वन। समझ पा रहे हैं ना भाई? तो बताइए ये हम लोग यहां में इनकी बताइए, एम तो क्या बताता है भाई, ऑर्बिटल ही तो बताता है। अगर एस के लिए एम की एक ही वैल्यू आई है ना भाई, तो कितने ऑर्बिटल होंगे, एक। समझ पा रहे हैं ना भाई? अच्छा बताइए पी सबसेल के लिए एम की कितनी वैल्यू है, तीन, तो उनके ऑर्बिटल कितने होंगे, तीन। अच्छा बताइए डी के लिए एल का वैल्यू टू है, तो एल का वैल्यू टू है तो एम का वैल्यू माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, तो एम की पांच वैल्यू आई, मतलब पांच ऑर्बिटल होंगे। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? अच्छा बताइए एफ के लिए एल की वैल्यू थ्री है, अगर एल थ्री है तो बताइए एम की वैल्यू माइनस थ्री से प्लस थ्री। अच्छा माइनस थ्री से प्लस थ्री में कितने नंबर्स आते हैं, सेवन, तो कितने ऑर्बिटल हो जाएगा भाई, सेवन। क्या क्या हो जाएगा, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री। क्या आप समझ पा रहे हैं? अच्छा बताइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग काम पढ़ रहे थे, एल की वैल्यू पढ़ रहे थे। अगर मान लो कहीं लिखा है भाई ऐसा, ये एड्रेस पे लिखा है एन का वैल्यू फोर एल की वैल्यू फाइव, यहाँ पे जाना है आपको, तो बताइए क्या लिखा है भाई, एन की वैल्यू फोर तो लिखा है, एल की वैल्यू पांच लिखा है, क्या बताइए कौन सा एड्रेस को बताएगा। सबसे पहले तो आप फोर्थ सेल में चले जाएंगे, आप फोर्थ सेल में जाएंगे तो क्या ही आएगा बताइए, फोर्थ सेल में जाएंगे तो फोर सबसेल होगा, वो फोर सबसेल कौन कौन सा होगा, फोर एस फोर पी फोर डी फोर एफ। समझ पा रहे हैं क्या, क्या उसमें एल इक्वल टू पांच आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, मतलब ये रॉन्ग एड्रेस है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई? अच्छा अगर मान लो लिखा है एन का वैल्यू थ्री एल का वैल्यू थ्री में जाना है, तो आप तो थर्ड सेल में तो चले गए, अरे भाई कौन सा ऑर्बिट में जाएंगे, थर्ड ऑर्बिट। और जैसे ऑर्बिट में गए तो वहां में तीन सब सेल था, कौन कौन सा था, थ्री एस थ्री पी थ्री डी, क्या क्या था भाई, थ्री एस थ्री पी थ्री डी। और एल इक्वल टू थ्री तो एफ सब सेल के लिए ना होता है भाई, क्या यहाँ में थ्री एफ होगा क्या, नहीं, मतलब ये भी एड्रेस जो लिखा है वो गलत है। तो यहां से आपने क्या देखा कि बताइए जो n की वैल्यू है भाई, n की वैल्यू है और ये l की वैल्यू है, थोड़ा को दोनों को ध्यान से देखिए, n का वैल्यू वन है तो l का वैल्यू जीरो है, अगर n का वैल्यू टू है तो l का वैल्यू या तो जीरो है या तो वन है, मतलब क्या n से तो कम है ना भाई। अगर n थ्री है तो l जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, मतलब ये है कि जो n की वैल्यू होती है, n की वैल्यू हमेशा l से बड़ी होती है, एन की वैल्यू हमेशा एल से बड़ी होती है। अगर मान लो ऐसा लिखा है एन का वैल्यू सिक्स एल का वैल्यू सेवन, क्या ये एड्रेस सही है, गलत है, गलत है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई, जो एन होगा उससे एल की वैल्यू कम ही होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं ना, अगर एन का वैल्यू सिक्स है तो एल का वैल्यू जीरो से लेके फाइव तक ना होना चाहिए, लेकिन एल तो सेवन लिखा है, मतलब ये एड्रेस रॉन्ग है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई, मतलब एन और एल में एन हमेशा बड़ा होगा, किससे, एल से, उसके बराबर भी नहीं होगा, एन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एल। समझ पा रहे हैं ना यहाँ? चलिए हाँ, हम लोग कहाँ में आ रहे थे भाई, यहाँ पे। तो बताइए याद हो गया होगा कि एस सबसेल कितना, एस कितने ऑर्बिटल होते हैं बताइए, एस के कितने ऑर्बिटल, एक, मतलब कितने डब्बा होगा, एक। पी के कितने डब्बा, तीन, तीन मतलब डब्बा मतलब तीन ऑर्बिटल, और डी के कितने ऑर्बिटल, पांच, और एफ के कितने ऑर्बिटल। अगर बताइए थोड़ा सा ध्यान दो भाई, क्या आप समझ पा रहे हैं क्या, अब थोड़ा सा यहां में ध्यान भी दे रहे हैं आप लोग। जैसे मान लीजिए यहां में लिखा है n इज इक्वल टू फाइव, n इज इक्वल टू फाइव, l इज इक्वल टू वन, m इज इक्वल टू जीरो, मान लो ऐसा लिखा है, तो क्या ये अब पढ़ना तो आ गया ना भाई, क्या हमको कौन सा सेल में जाना है बताइए, फिफ्थ सेल में। और जब फिफ्थ सेल में जाएंगे तो कितने सबसेल होगा, पांच, कौन कौन सा सबसेल होगा भाई, फाइव एस फाइव पी फाइव डी फाइव एफ फाइव जी।
होगा कि नहीं होगा? और बताइए, एल से पता चल गया कि कौन सा सबसेल में जाना है, बताइए कौन सा सबसेल में? 5P में जाएंगे, और P में जाएंगे तो कितना डबा मिलेगा भाई? 3 डबा मिलेगा, क्योंकि P के कितने ऑर्बिटल होते हैं भाई? 3 ही तो होते हैं, और हर एक ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू क्या है बताइए? -1, 0, 1 है कि नहीं है? तो बताइए आप कहां में चले जाएंगे भाई? यहां में चले जाएंगे, क्या आप समझ पा रहे हैं ना? आप इस ऑर्बिटल में चले जाएंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? अभी अब इसके हम लोग इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका भी ऑर्बिटल का भी नाम होगा। अगर मान लो इसमें जा रहा है तो ये पी ऑर्बिटल में जा रहा है, तो एक्स में जा रहा है कि वाई में जा रहा है कि जेड में जा रहा है, क्या आप समझ पा रहे हैं ना? क्या ये जो इन्फॉर्मेशन लिखा है उसे तो दिमाग में जा रहा है कि हमको फिफ्थ सेल में जाना है, कौन सा सब सेल में जाना है, उसके कौन से ऑर्बिटल में जाने हैं? मतलब बताइए, ऑर्बिटल तो यही ना बता रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर मान लो m की वैल्यू नहीं होता तो क्या यहां से कुछ आइडिया लगता क्या कौन सा ऑर्बिटल है? नहीं लगता, क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई? तो चलिए ठीक है, यहां से कॉपी कर लिए होंगे, नहीं हुआ है कॉपी कर लीजिए। देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में आइडिया देता है? सेल के बारे में। एजिमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में आइडिया देता है? सब सेल के बारे में। और एक सेल में कोई भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 2n2। सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 2 × 12 + 1, समझ पा रहे हैं ना? और ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 2 कितना होता है? ठीक है, अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि कॉपी हो गया, हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो हमने सबसेल पढ़ा था, सबसेल क्या क्या पढ़ा था भाई? एस पी डी एफ, और उसके लिए एल की वैल्यू भी देखे हैं हम लोग, है ना? अब मुझे बताइए एस सबसेल लिखा है, क्या लिखा है भाई? एस सबसेल, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताइए, एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? अगर एल जीरो है तो एम भी कैसा होगा? मतलब याद रखना है कि एस सबसेल के लिए एस सबसेल कितना प्रकार का होता है? एक ही होता है ना भाई, और एक ही तो डब्बा होता है ना उसके पास, एक ही तो। एस के कितने ऑर्बिटल? एक। पी के कितने? जल्दी से रट लो। एस के कितने ऑर्बिटल? एक। पी के कितने? 3। डी के कितने? 5। एफ के कितने? 7। चलो डी के कितने ऑर्बिटल? 7 बता रहे हैं, 5। डी के कितने ऑर्बिटल? 5। और एफ के कितने? 7। पी के कितने? 3। एस के कितने? 1। तो जैसे मान लो लिखा है एस सबसेल, तो बताइए एस सबसेल में एल की वैल्यू 0 है ना भाई? क्या एल इज इक्वल टू 0 है तो एम तो 0 ही होगा? मतलब एस सबसेल लिखा है तो उसके ऑर्बिटल तो एक ही होंगे, और उस ऑर्बिटल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमेशा क्या ही होगा? 0 होगा। क्या होगा भाई? 0, क्योंकि एस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल, फुटबॉल का जैसा होता है भाई, क्या आप समझ पा रहे हैं ना? अच्छा अगर हम लोग बात करें पी की, पी सबसेल, अच्छा बताइए पी सबसेल के लिए एल की वैल्यू कितनी? पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। अगर L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू क्या क्या होगी बताइए? M की वैल्यू -1, 0, 1। मतलब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। अब देखो M की कितनी वैल्यू आई? 3। तो इनके 3 ओरिएंटेशन होगा। कितना ओरिएंटेशन होगा भाई? 3। इनका कोई भी ओरिएंटेशन नहीं होगा, क्योंकि उनका शेप तो स्फेरिकल ही होता है भाई, फुटबॉल को कहीं भी घुमा लो एक ही जैसा दिखाई देगा भाई, समझ पा रहे हैं ना? लेकिन हम लोग बात करेंगे तो अब थोड़ा सा ध्यान दो। अच्छा बताइए पी जो होता है उसका शेप कैसा होता है? डंबल होता है। पी का शेप कैसा होता है भाई? डंबल। तो अब देखिए उनका ओरिएंटेशन कितना आया है, मतलब उनके एम की कितनी वैल्यू आई है? 3। तो उनका ओरिएंटेशन देखिए क्या होगा, एक बार तो पीएक्स हो, जैसे मान लो ये हो गया पीएक्स, ये ओरिएंटेशन होगा पीवाई, और एक बार इनका ओरिएंटेशन होगा पी जे। तो इसका नाम क्या होता है भाई? देखिए पी एक्स, इसका नाम क्या होता है भाई? पी वाई, और इसका क्या नाम होता है? पी जे। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो पी एल की वैल्यू कितनी आई है बताइए? एल का वैल्यू 1 है, मतलब पी सबसे लग, पी सबसेल 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। क्या होता है बताइए? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और यहाँ में देखिए पी एक्स का स्ट्रक्चर, मतलब इनके जो, इसको बोला जाता है लोब। क्या बोला जाता है? 2 लोब है। पी के कितने लोब है? 2 लोब। और दोनों लोब किसके एलोंग है भाई? एक्स एक्सिस के एलोंग है। यहाँ में किसके एलोंग है? वाई एक्सिस के एलोंग है। और यहाँ में किसके एलोंग है भाई? जेड एक्सिस के एलोंग। क्या तीनों का ओरिएंटेशन तो अलग अलग है ना भाई? क्या तीनों का ओरिएंटेशन
अलग अलग है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तीन बॉक्स बना देंगे, तीन बॉक्स बना देंगे, और इसका नाम हो जाएगा पी एक्स, इसका नाम हो जाएगा पी वाई, और इसका नाम हो जाएगा पी जे। क्या नाम हो गया भाई? पी एक्स, पी वाई, पी जे। अच्छा देखिए, लेकिन इसमें याद रखिएगा, जैसे बताइए एस के लिए एम की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। क्या इसमें भी ये जो तीन हमारा ऑर्बिटल हुआ है, क्या तीन ही एम की वैल्यू है? तीन ही तो एम की वैल्यू है, एम ही की वैल्यू तो भाई ऑर्बिटल को बताती है। अब याद रखने वाली बात यह है कि जो पी जेड होता है उसमें एम की वैल्यू जीरो होती है। पी जेड के लिए एम की वैल्यू कितनी होती है भाई? जीरो। जेड के लिए मतलब पी जेड के लिए एम की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। तो अच्छा बताइए, पी एक्स की वैल्यू -1 होगी और पी वाई का वैल्यू +1 होगा, मतलब ये आपस में इंटरचेंजेबल होगा भाई। अगर पी एक्स को 1 लेंगे तो पी वाई -1 हो जाएगा, या पी एक्स को -1 लेंगे तो पी वाई 1 हो जाएगा, लेकिन पी जेड तो हमेशा जीरो होगा। याद रखना है, पी जेड तो हमेशा जीरो होगा। समझ पा रहे हैं कि आप लोग? जैसे देखिए, अगर लिखा है एन इज इक्वल टू 4, क्या लिखा है भाई? एन इज इक्वल टू 4, एल इज इक्वल टू 2, सॉरी एल इज इक्वल टू 1 और एम इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ऐसा लिखा है, क्या आप लेटर पे मान लो ये तीन नंबर लिखा था, तो बताइए आप सबसे पहले कहां में जाएंगे? फोर सेल में। और जैसे ही फोर सेल में जाएंगे तो कितना सब सेल मिलेगा? चार। कौन कौन सा बताओ? 4s, 4p, 4d, 4f। क्या इतने सब सेल मिलेंगे हमको? क्या हमने फोर कहां में चले गए हम लोग? पहले फोर सेल में गए, अब फोर सेल के अंदर में इंटर हुए तो फोर सब सेल मिला, और l इज इक्वल टू 1 लिखा है, तो बताओ कौन सा सब सेल में जाएंगे? क्या 4s के पास जाएंगे कि 4p के पास जाएंगे? 4p के पास। जैसे तुमने 4p में इंटर करा, और बताओ p के कितने डब्बा है भाई? तीन। पी के कितने डब्बा है? तीन। समझ पा रहे हैं क्या भाई? अच्छा बताओ, अगर पी के तीन डब्बा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? 4px, 4py, 4pz। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? फोर्थ सेल में जा रहे हैं ना, तो इस ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा? 4px, 4py, 4pz। बताइए कहाँ जाएंगे ये डाबा? तो हमारे पास तो बहुत सारा डाबा है ना भाई, कौन सा डाबा में जाना है? उस डाबा में जाना है जिसका एम की वैल्यू जीरो होती है, और एम की वैल्यू जीरो किसके लिए होती है? जेड के लिए। तो कहाँ में जाना है भाई? 4pz। कहाँ में जाना है? 4pz। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई? क्या आप बताइए, इतना इंफॉर्मेशन से आप कहाँ में चले जाएंगे? 4pz में। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? अगर मान लीजिए, क्या यहां तक किसी को डाउट नहीं है? अच्छा मान लो अगर ऐसा लिखा है, अगर भाई मान लीजिए यहां में m की वैल्यू 1 लिखी है, अगर m की वैल्यू 1 लिखी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, m की वैल्यू 1 लिखी है, तो क्या इसका दो आंसर आएगा? क्या इसका दो आंसर आएगा भाई? मैंने बोला ना भाई, ये जो पी एक्स और पी वाई है, अगर पी एक्स को आपने -1 लिया है तो पी वाई को 1 लेना पड़ेगा, अगर पी एक्स को तुम +1 लेगा तो पी वाई को माइनस लेना पड़ेगा, ये इंटरचेंजेबल है। समझ पा रहे हैं? इंटरचेंज हो सकता है। तो बताइए क्या इसका आंसर में क्या होगा? आप तो सबसे पहले फोर सेल में जाएंगे, फोर सेल का कौन सा सब सेल? 4p में जाएंगे, और 4p में उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? m की वैल्यू 1। तो एक बार m की वैल्यू 4x, या तो ये हो सकता है 4px, या तो दूसरा बार 4py। अगर मान लो तुमने px को 1 लिखा तो y को तो 1 -1 होना पड़ेगा, अगर हो सकता है कि y 1 है तो px तो -1 ना होगा, तो क्या उस समय दो आंसर हो सकता है? क्या आप नहीं समझे? क्या याद है किसी को डाउट नहीं? अगर जेड लिखा है तो 100%, अगर m इज इक्वल टू 0 है तो आपको डायरेक्टली कहां में जाना है? जेड में। कहां में जाना है? जेड में। क्या यहां तक आपको समझ पा रहे हैं क्या भाई? अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, m की वैल्यू भी हम लोग पढ़ लिए और तीन क्वांटम नंबर के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए ना भाई। s के बारे में क्या आपको समझ में आ गया कि m का वैल्यू 0 होता है? मतलब s के लिए l की वैल्यू 0 होगी, s के लिए l की वैल्यू 0 होगी, तो m भी क्या होगा? 0 होगा। मतलब s सब सेल में m की वैल्यू तो 0 ही होगी, है ना? और बताइए p के लिए l का वैल्यू 1 है, तो m की तीन वैल्यू हो सकती है, -1, +1, 0। लेकिन अगर 0 बोला जाए, मतलब बताओ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखा है 0, मतलब कौन सा सब सेल, कौन सा ऑर्बिटल भाई? कौन सा वाला? जेड वाला। समझ पा रहे हैं ना? पीजेड में m की वैल्यू 0 होती है, और पीएक्स और पीवाई में क्या होता है भाई? इंटरचेंजेबल होता है। एक बार पीएक्स 1 हो सकता है तो पीवाई माइनस। समझ पा रहे होंगे आप लोग? अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब हम बात करेंगे डी के लिए। किस सब सेल के लिए भाई? डी के लिए। अच्छा बताइए डी के लिए एल की वैल्यू कितनी है भाई? ध्यान से सुनिए, क्या एक कॉपी हो गया था इसके पहले? देखिए डी जनरेट ऑर्बिटल का मतलब होता है ऑल द ऑल, ये तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी होती है बराबर, तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी
बराबर होती है। तो क्या जरूरी है, क्या थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, क्या ये जो 3 ऑर्बिटल लिखा है क्या जरूरी है? क्या मैं पीएक्स को पहले लिखूंगा? जरूरी नहीं है। क्या तुम पहले पीजेड को भी लिख सकता है, पीवाई को भी लिख सकता है, पीएक्स को भी लिख सकता है, क्योंकि तीनों की ऑर्बिटल है, तीनों की ऑर्बिटल की एनर्जी होती है बराबर। तो जहां मर्जी वहां नाम लिख सकते हैं, उससे चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ में जेड लिखा है, अगर आपने यहाँ में जेड लिखा है, तो यहाँ में एम की वैल्यू 0, इसमें +1 और दूसरा में क्या हो जाएगा भाई, -1। समझ पा रहे हैं ना? तो इसको डीजेनरेट का मतलब तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होती है, तो आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो देखिए डी इज इक्वल टू क्या लिखा है, डी इज इक्वल टू 2 लिखा है। तो देखिए डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी भाई, 2। और तो एम का वैल्यू बताइए कहां से कहां तक हो जाएगा, -2 -1 0 1 2। तो बताइए डी के कितने ऑर्बिटल, 5, क्योंकि 5 एम की वैल्यू आई है, एम ही तो ऑर्बिटल बताती है। तो इसके 5 ऑर्बिटल होंगे, कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 ऑर्बिटल। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वो कौन कौन सा 5 ऑर्बिटल होता है? वो 5 ऑर्बिटल तो होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर होता है। क्या क्लियर है ना भाई? तो थोड़ा सा ध्यान देंगे उसमें, मान लो ये लिखा है एक्स और वाई। अच्छा बताइए डी का जो शेप होता है वो कैसा होता है, डबल डम्बल। कैसा होता है, डबल डम्बल। तो इसमें जो 3 ऑर्बिटल होते हैं ना भाई, वो जो होते हैं ना, उनका जो लोब होता है बिटवीन द एक्सिस होती है, कहाँ होती है भाई, एक्स और वाई के बीच में, मतलब एक्सिस के बीच में 3 लोब होता है, इसका नाम हो गया डी एक्स वाई। अगर हम लोग बताएं, देखिए ये वाई है और ये जेड है, तो इनके जो लोब होंगे कैसे होंगे भाई, बिटवीन द एक्सिस, तो इसका नाम क्या हो गया, डी वाई जेड। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई बताइए, डी जेड एक्स। क्या नाम हो जाएगा, डी जेड एक्स। दो लोब ऐसे होते हैं, दो लोब ऐसे होते हैं, यहाँ में जो लोब होगा वो एलोंग द एक्सिस होगा। क्या होगा भाई, एलोंग द, इनके जो लोब होंगे एलोंग द एक्सिस होंगे। ये है डी जेड स्क्वायर, समझ पा रहे हैं ना? तो ये इनका स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई। आपने क्या क्या देखे, देखो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, आपने ऐसा देखा ना भाई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। इसमें खास बात क्या है कि इसके जो लोब है, बताओ कितना लोब है, 4 ही तो लोब है, और चारों लोब एक्सिस के बीच में है, चारों लोब एक्सिस के बीच में है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो क्या बताओ इसके लोब अलोंग द एक्सिस है, क्या इसके लोब अलोंग द एक्सिस है, और डी जे स्क्वायर में भी क्या कहां में है बताइए, एक्सिस में है। अच्छा बताओ डी के तो कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल, जिसमें 4 4 का तो 4 ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनके जो लोब होते हैं उसमें 4 लोब होता है, लेकिन यही डी जे स्क्वायर है उसके 2 ही लोब है। क्या समझ पा रहे हैं क्या भाई? तो पूछेगा, पूछा जाएगा कि कौन सा डी ऑर्बिटल थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है, डी जे स्क्वायर। क्यों डी जे स्क्वायर, क्योंकि उसके पास कितने लोब हैं, 2। बाकी डी का शेप तो डबल डम्बल होता है ना भाई, तो 4 लोब होना चाहिए, लेकिन इसके 2 ही लोब हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सा डी ऑर्बिटल होगा, कौन सा डी ऑर्बिटल होगा जिसका लोब अलोंग द एक्सिस होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इसके लोब अलोंग द एक्सिस है। और जिसके लोब अलोंग द एक्सिस होती है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है। किसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगा, जिसके लोब अलोंग द एक्सिस होगा, और किसके लोब अलोंग द एक्सिस है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। आपको थोड़ा बहुत अगर याद हो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने अभी रिसेंट 12 में पढ़ा था, जिसमें ये दोनों ऑर्बिटल का नाम ईजी होता था और ये तीनों ऑर्बिटल का नाम T2g था। अब किसकी एनर्जी ज्यादा होती थी, ईजी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती थी, समझ पा रहे हैं ना, T2g की एनर्जी कम होती थी, उस एनर्जी गैप को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। चलिए कोई बात नहीं, कॉपी कर लीजिए, आप समझ पा रहे हैं ना भाई। अब बताइए डी के तो 5 ऑर्बिटल हो गए, कितने ऑर्बिटल हो गए, 5 ऑर्बिटल हो गए। ये देखिए 5 ऑर्बिटल हो गए, ठीक है, इनका नाम क्या है भाई, देखिए डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, बोलिए क्लियर है ना। और इसमें 5 एम की वैल्यू आएंगी, एम की वैल्यू क्या है बताइए, -2 -1 0 1 2। तो आपको तो याद हो गया कि जेड लिखा है तो एम की वैल्यू कितनी होगी, बताओ जेड लिखा तो यहां में एम की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब देखो पहला में क्या लिखा है, यहां में भी एक्स वाई लिखा है और यहां में भी एक्स वाई लिखा है, अरे भाई यहां में भी एक्स वाई लिखा है और यहां में भी एक्स वाई है,
लेकिन खास बात क्या है कि इसके जो लोब होंगे वो बिटवीन द एक्सिस होंगे और इसके लोब अलोंग द एक्सिस होगा, तो इसकी वैल्यू -2 होती है और इसकी वैल्यू +2 होती है, और ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है भाई। तो एक का -1, दूसरा का +1, और ये दोनों वैल्यू भी आपस में इंटरचेंज हो सकती है। क्या आपने समझा कि बताइए -2 + 2 किसके किसके लिए आता है? डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर। हर एक लोब का, हर एक ऑर्बिटल का अपना एम की वैल्यू है, समझ पा रहे हैं ना भाई? अगर इसकी वैल्यू डी एक्स वाई की वैल्यू -2 है तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अगर डी एक्स वाई की वैल्यू को 2 रखा तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? -2। लेकिन डी जेड स्क्वायर 100% 0 होगा उसका एम की वैल्यू। देखिए भाई याद रखो, डी जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है एम के लिए? जेड स्क्वायर लिखा है, एम की वैल्यू तो 0 है। अब बात होगी एक्स वाई, एक्स वाई का वैल्यू देखो यहां में -2 होता है, इधर में एक्स वाई की वैल्यू +2 होगा। तो ये अगर +2 होगा तो ये -2 हो जाएगा, अगर ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर ये -1 है तो ये +1 होगा, अगर ये +1 है तो ये -1 होगा, मतलब इंटरचेंज हो सकता है। क्या क्लियर है ना भाई? लेकिन जेड स्क्वायर के लिए तो एम की वैल्यू 100% 0 होगी। जल्दी से एक क्वेश्चन है, 6 ऑर्बिट में कितने वेव बनेंगे? अब देखिए, अब जो लेटर पे नंबर लिखा होगा ना वो आप पढ़ना सीख जाएंगे। जैसे कि क्या ये हो गया ना भाई, जैसे अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, जैसे मान लो यहाँ में लिखा है n इज इक्वल टू 4, अभी देखिए थोड़ा सा समझिएगा, और l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 0, मान लो ऐसा लिखा है लेटर पे, ये नंबर लिखा था। अब इसका एड्रेस आप एग्जैक्ट पता कर लेंगे कि कहाँ जाना है बेसिकली आपको, है ना? तो अगर बताइए n इज इक्वल टू 4 है तो आप तो कहाँ में चले जाएंगे? 4 सेल में। अब 4 सेल में कितना ही सबसेल होगा? 4 सबसेल होगा भाई। कौन कौन सा? 4s, 4p, 4d, 4f। और आपने देखा l इक्वल टू 2 तो आपको कहाँ जाना है भाई? 4d। और जब 4d में जाएंगे तो आपको कितने डब्बा मिलेंगे? 5। लेकिन कहाँ में जाना है? जब m क्या हो जाए? 0। तो m 0 तो डी जेड स्क्वायर करना होता है भाई। तो बताइए इसका जो एड्रेस होगा आप कहाँ पहुंच जाएंगे? 5dz स्क्वायर में पहुंच जाएंगे। कहां में पहुंच जाएंगे? 5dz स्क्वायर। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई? नहीं समझे? और भाई m का वैल्यू 0 तो d के तो 5 ही ऑर्बिटल होती है, d का तो 5 बॉक्स होगा ना भाई, 5 घर होंगे। कहां में जाना है? वहां में जाना है जिसका m 0 हो जाए, और m 0 तो dz स्क्वायर करना होता है। तो बताइए आप कहां पहुंच जाएंगे? डायरेक्ट यहां में आएंगे। अगर मान लो यहां में लिखा था डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, और तो आप आएंगे सबसे पहले यहां से डायरेक्टली यहां में इंटर हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं क्या भाई? और जब यहां में इंटर होंगे तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, एक तो क्लॉक वाइज एक एंटी क्लॉक वाइज, उसके बारे में अभी नहीं पढ़ाया। बताइए किसी गलती लिखा है क्या? तो लोग बताता है भी नहीं। 4dz² क्या होगा भाई? 4 होगा, क्योंकि 4dz स्क्वायर। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? अच्छा अगर यही इसमें थोड़ा सा चेंज किया जाए और बोला जाए n इज इक्वल टू 4 है भाई, l इज इक्वल टू 2 है, और m इज इक्वल टू -1 है, बताइए इसके कितने आंसर आएगा? 2। क्या इसके आंसर कितना आएगा? 2। तो सबसे पहले आप तो 4 सेल में जाएंगे, अब 4d में चले जाएंगे, और 4d में देखिए क्या, बताइए m का वैल्यू -1 किस किस के लिए हो सकता है? वाई जेड और दूसरा जेड एक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4dyz और 4dzx, तो इसके दो आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? अब जब दो में जा रहे हैं तो समझ पा रहे हैं ना, दो में चले जाएंगे आप लोग, मतलब इसका करेक्ट आंसर 2 होगा। अच्छा अगर मान लो यहां में लिखा था डी एम इक्वल टू 0 तो आप तो यहां में चले जाएंगे ना भाई, तो ऑर्बिटल तो यहां में सेम हो गया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक तो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक, उसको भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक हमको स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ता है। क्लियर है ना? चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्या आप एग्जैक्ट एड्रेस बताना सीख जाएंगे, है ना? आप एड्रेस बताना सीख जाएंगे। चलिए मैं आगे बढ़ू ना, यहां तक किसी को डाउट नहीं है? अच्छा बताइए क्या n से हमको तो केवल सेल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है? क्या n से तो केवल, अगर मान लो n इक्वल टू 4 लिखा है तो आप 4 सेल में जाएंगे, n इक्वल टू 6 लिखा है तो 6 सेल में जाएंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो सेल के, सेल में जाना है तो सिर्फ और सिर्फ n पता होगा तो आप सेल में इंटर हो जाएंगे। क्लियर है ना? चलिए तो थोड़ा सा ध्यान देना भाई, सेल के लिए तो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए हमको?
एन सेल के लिए तो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए बताइए, एन चाहिए। लेकिन अगर आपको सब सेल के बारे में जानना है, किसके बारे में जानना है, सब सेल के बारे में, तो क्या ही चाहिए बताइए। अगर मान लो यहां में सब सेल की बात करें, तो अगर बताइए क्या सब सेल एल से हमको सब सेल पता चल जाएगा क्या। अगर मान लीजिए एल इक्वल टू वन लिखा है, समझ पा रहे हैं क्या आप लोग, कौन सा सबसेल में जाना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर एल इज इक्वल टू वन लिखा है तो ये तो पता चल गया पी कौन सा सबसेल हो गया, पी सबसेल। अच्छा बताओ पी लिखा है तो 2p होगा कि 3p होगा कि 6p होगा कि 10p होगा, नहीं ना पता चलेगा क्या, आप समझ पा रहे हैं क्या। तो अगर सबसेल में जाना है तो दोनों मालूम होना पड़ेगा, एन और एल। अगर मान लो लिखा है एन इज इक्वल टू टू एल इज इक्वल टू वन, तब आपको पता चल गया कि आपको जाना कहाँ है, 2p में। कहाँ में जाना है, 2p में, क्या आप समझ पा रहे हैं भाई। अच्छा अगर उसके पहले आप सेल के अंदर जाएंगे तो सबसेल होगा, सबसेल में किस किस के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, एक तो एन और दूसरा किसका, एल का। समझ पा रहे हैं क्या भाई आपको। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और अर्बिटल क्या हो जाएगा भाई, अर्बिटल, अर्बिटल की बात करें तो अर्बिटल में जाना है तो एन एल एम तीनों के बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप लिख देंगे एम इज इक्वल टू जीरो, समझ पा रहे हैं ना, एम इज इक्वल टू जीरो, तो क्या एस के लिए भी एम की वैल्यू जीरो होती है, क्या पी पी जेड के लिए भी एम का वैल्यू जीरो होता है, क्या डी जेड स्क्वायर के लिए भी एम का वैल्यू जीरो होता है, अरे होता ही कि नहीं होता है। तो किस में जाना है पता तो नहीं चलेगा ना भाई, क्या आप समझ पा रहे हैं क्या। अच्छा अगर मान लो आपने लिखा है एम इज इक्वल टू वन, अगर एम इज इक्वल टू वन लिखेंगे तो एम इज इक्वल टू वन तो एक बार किसके लिए भी होता है, पी एक्स के लिए भी हो सकता है, पी वाई के लिए भी हो सकता है। अगर हम लोग एम इक्वल टू वन तो देखो डी जेड एक्स के लिए भी हो सकता है और डी वाई जेड के लिए भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो पता एग्जैक्ट नहीं चलेगा कि जाना कहाँ है, क्या आप समझ पा रहे हैं भाई आप लोग। तो अगर मान लो ऑर्बिटल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको एन भी मालूम होना पड़ेगा, एल भी मालूम होना पड़ेगा, एम भी मालूम होना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं कि आप लोग। जैसे मान लो लिखा है एन इज इक्वल टू थ्री एल इज इक्वल टू वन एम इज इक्वल टू जीरो, तो आप एग्जैक्ट पता कर लेंगे कि कहाँ जाना है। कहाँ जाएंगे भाई, थर्ड सेल में, थर्ड सेल का अंदर में इंटर होंगे तो तीन सबसेल मिलेगा, 3s 3p 3d, कहाँ में चले जाएंगे, 3p, और 3p के अंदर जाएंगे तो तीन डब्बा मिलेगा, तीन ऑर्बिटल मिलेगा, 3px 3py 3pz, तो कहाँ चले जाएंगे भाई, 3pz, कहाँ में चले जाएंगे, 3pz। तो आप मुझे बताइए ऑर्बिटल के बारे में जानना है तो आपको तीन क्वांटम नंबर मालूम होना पड़ेगा, कौन कौन सा, एन एल एम। अच्छा अगर मान लो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जानना है तो एस पी, सॉरी मैंने क्या क्या लिख दिया, एन एल एम एस, तो चौथा क्वांटम नंबर तो अभी पढ़ाया नहीं ना, जब चौथा क्वांटम नंबर पढ़ लेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा वो भी पता चल जाएगा। अभी हमको केवल क्या पता चला है, कौन सा ऑर्बिटल, क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई। तो ऑर्बिटल ये तो अभी हटा देते हैं क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा देर के बाद हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मतलब ऑर्बिटल को पता करने के लिए कितना क्वांटम नंबर चाहिए भाई, तीन, कौन कौन सा, एन एल एम। अच्छा इसको हम लोग एक फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका नाम है जाई फंक्शन या साई, उसको लिखा जाता है एन एल एम। अगर मान लो लिखा है जाई एन एल एम, मतलब ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल से देखो भाई, जैसे मान लीजिए यहां में लिखा है 520, मान लो क्या लिखा है भाई, 520, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। मतलब एन का वैल्यू तो 5 है, एल का वैल्यू तो 2 है, और डी का, ओ सॉरी, एम की वैल्यू कितनी है, तो मतलब तुम फिफ्थ सेल में जाएगा, फिफ्थ सेल में 5 सब सेल होंगे, तुम 5D में जाएगा और 5D में जाएगा तो 5 ऑर्बिटल होंगे, तो कहां में जाना है, डी जेड स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 5DZ2। समझ पा रहे हैं ना, इसको शॉर्ट में ये ऑर्बिटल को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा आप मुझे बताइए जाई मान लो लिखा है 511, अगर ऐसा लिखा है तो इसका कितना आंसर, कौन कौन सा, क्या क्या, 5px 5py, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5px या 5py, क्या आप समझ पा रहे हैं क्या। क्योंकि देखिए आप फिफ्थ सेल में जाएंगे और फिफ्थ सेल में तो 5 सबसेल होगा, लेकिन एल इक्वल टू 1 है तो पी सबसेल में जाएंगे, मतलब 5p में जाएंगे, और जैसे ही आप 5p में जाएंगे तो कितने घर मिलेंगे, तीन, कौन कौन सा, px py pz। जेड के लिए तो एम तो जीरो ही होता है, अगर एल इक्वल टू 1 बोला है, सॉरी एम इज इक्वल टू 1 बोला है, तो या तो वो px हो सकता है या तो वो py हो सकता है, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे बताइए, 5px या 5py।
क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? बोलो, किसी को डाउट नहीं है? तो क्या वो जो लेटर पे लिखा हुआ 3 नंबर तो समझ में आ गया? हाँ, अब थोड़ा देर के बाद लेटर पे लिखा हुआ चारों एड्रेस समझ में आ जाएगा, तो आप जिसको पोस्ट करना है उसको पोस्ट कर सकते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को पूरा इस चैप्टर के अंदर में मोमेंटम के बारे में, मतलब 3 मोमेंटम के बारे में ही पढ़ना है। पहला पहला तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, एंगुलर मोमेंटम। क्या आपको याद है क्या? अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, उसी ऑर्बिट में घूमेगा जब उसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा भाई? nh/2π। तो बताओ वो एंगुलर मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा था? सेल पे। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? nh/2π। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा सब सेल के अंदर में प्रेजेंट है, कहाँ में प्रेजेंट है? सब सेल के अंदर में प्रेजेंट है, तो उसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या? एंगुलर मोमेंटम। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया ना भाई? कॉपी हो गया होगा? चलिए ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एल l+1 h/2π। और कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या था भाई? mvr = nh/2π। समझ पा रहे हैं क्या भाई? लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां में है? सब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई सबसेल में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ एल l+1 h/2π। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या भी लिख सकते हैं, देखो, एल l+1 h क्रॉस, वेयर एच क्रॉस का वैल्यू h/2π होता है। समझ पा रहे हैं ना भाई? मतलब ये जो h/2π लिखा होता है उसको शॉर्ट में एच क्रॉस लिखा जा सकता लिखा जाता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है बताइए? अंडर रूट ऑफ एल l+1 h/2π, या शॉर्ट में एच क्रॉस लिख सकते हैं। क्लियर है क्या भाई? अच्छा, शॉर्ट में हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम लोग क्या भी लिख सकते हैं, ओ से ऑर्बिटल, ए एम मतलब एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है ना भाई? तो देखिए हमारा ऑर्बिटल क्या क्या हो सकता है, s p df। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फॉर्मूला याद रखना है, जिसके लिए बोला जाएगा उसके लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? तो ऑर्बिटल, अच्छा बताइए, एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 0। पी के लिए एल की वैल्यू 1, डी के लिए 2, और एफ के लिए कितनी हो जाएगी? 3। और इसका अगर हमको कैलकुलेट करना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भाई, तो बताइए एल का वैल्यू जब 0 डालेंगे तो समथिंग क्या ही आ जाएगा बताइए? 0। तो एस सबसेल का याद रखेंगे, एस सबसेल का या एस ऑर्बिटल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा ही 0 होता है। क्लियर है ना? क्योंकि एल की वैल्यू 0 होती है। अब एल यहाँ में 0 डालेंगे तो 0 0+1, तो 0 × समथिंग तो 0 ही हो जाता है। क्लियर है ना भाई? क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई? पहले समझ के कॉपी करना है। बताइए पी के लिए क्या होगा? एल की वैल्यू 1, तो यहाँ में देखो एल का वैल्यू 1 डालेंगे, 1, और यहाँ से 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 × 1 क्या हो जाएगा? √2। तो बताइए क्या वैल्यू आ जाएगी? √2 h क्रॉस। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? बताओ यहाँ में डी के लिए एल का वैल्यू तो 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ में 2 डालेंगे तो 2 + 1 3, और 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6। तो √6 h क्रॉस। क्लियर है ना? और डी के लिए कितना होगा? कितना? 12 h क्रॉस, या h/2π। क्या आप समझ पा रहे हैं? ऐसे किसी के लिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऐसा खत्म हो जाएगा तो आप बुकलेट में देखिए, मैक्सिमम यही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा है, तो जैसे ही आप पढ़ लेंगे तो आप पूरा क्वेश्चन 100% सॉल्व कर सकते हैं। केवल भरोसा रखना है, चैप्टर खत्म होगा उसके बाद प्रैक्टिस करना है। लास्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ये चैप्टर मतलब 10-20 मिनट का बचा होगा, ठीक है, तो उसको खत्म करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। संडे को टेस्ट हो जाएगा, मंडे से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, कॉपी हो गई होगी क्या आपको? देखो ये याद करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं, आपको फॉर्मूला तो याद रखना है। आपसे कोई बोलेगा बताइए 6f का, 6f ऑर्बिटल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो आपने क्या देखा? f, f के लिए l की वैल्यू कितनी है? 3। फॉर्मूला में डालेंगे उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट हो जाएगा। किसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 होता है? ऑप्शन में लिखा होगा 6s, 4p, 5d, 6p, ऐसा लिखा होगा, तो देख लेना, s टिक कर देना। बोलो क्लियर है ना भाई? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। क्या यही बच गया था ना भाई? ये किसके बारे में बताता है? स्पिन के बारे में, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड
ऑन एक्सिस, अपने ही एक्सिस पे घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का बारे में बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए आप लोग जानते हैं ना भाई, मान लो ये हमारा एक क्या है, आप लोग जानते हैं कि हमारा एक एटम होता है, एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ तो घूमता है, ये तो मालूम है। जब इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ तो ये भाई ये दो प्रकार में घूमता है, एक तो रिवोल्यूशन भी करता है मतलब चारों तरफ घूमता भी है, और रोटेशनल मोशन भी बढ़ता है, अपने ही एक्सिस पे एक बार क्लॉकवाइज घूमता है और दूसरा बार एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। देखो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हुए भी अपने एक्सिस पे एक बार क्लॉकवाइज घूमता है और दूसरा बार एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई। तो अब देखिए जब इसमें क्या किया गया कि जब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए क्लॉकवाइज घूमेगा, कहां में घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, जब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, तो उसकी स्पिन की वैल्यू, उसकी स्पिन की वैल्यू प्लस हाफ होती है। जब इलेक्ट्रॉन हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, उस समय स्पिन की वैल्यू कितनी होगी, माइनस हाफ। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा उस समय उसकी स्पिन की वैल्यू कितनी होगी, प्लस हाफ। मतलब अगर आपने क्लॉकवाइज को माइनस लिया है तो एंटी क्लॉकवाइज को प्लस ले लेना, समझ पा रहे हैं ना। तो मतलब स्पिन की वैल्यू फिक्स होती है, या तो प्लस हाफ होगी या तो माइनस हाफ होगी। तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं कि एस की वैल्यू तो या तो प्लस हाफ होगी या तो माइनस हाफ होगी। जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे घूमता है तो उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी निकाला जा सकता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अच्छा बताइए स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट एस एस प्लस वन एच अपॉन टू पाई, या इसको ऐसा लिखा जा सकता है एस एस प्लस वन एच क्रॉस। अच्छा आप थोड़ा सा बताइए स्पिन क्वांटम नंबर जो एस की वैल्यू है या तो प्लस हाफ होगी या तो माइनस हाफ होगी, क्या ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो मतलब कैसी होगी, कांस्टेंट होगा या किसी पे डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट है क्योंकि एस की वैल्यू तो फिक्स है ना भाई। और बताओ यहाँ में एस की वैल्यू प्लस हाफ लिया जाए या माइनस हाफ लिया जाए, प्लस हाफ। जब माइनस लेंगे तो रूट का अंदर में निगेटिव हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। तो यहाँ में एस की वैल्यू को हमको केवल क्या ही डालना है भाई, प्लस हाफ। तो जब हाफ डालेंगे और एच अपॉन टू बाई भी एक कॉन्स्टेंट नंबर है तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट होता है, क्या होता है बताइए, कॉन्स्टेंट होता है। तो आपसे कभी भी ये क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालिए, समझ पा रहे हैं कि आप लोग। केवल आपको फॉर्मूला पूछ सकता है कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, अंडर रूट ऑफ एस एस प्लस वन एच अपॉन टू पाई। और यहाँ में जो एस डालना है वो प्लस हाफ ही डालना है, क्यों, क्योंकि अगर निगेटिव हाफ डालेंगे तो ये रूट का अंदर में वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, और जब निगेटिव आ जाएगी तो उसका अंदर में कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आप लोग पढ़े होंगे मैथ्स जिनका होगा, तो अगर रूट का अंदर में माइनस वन होता है तो वैल्यू आई हो जाती है, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझ पा रहे हैं कि आप लोग। हाँ तो इसलिए हम लोगों को हमेशा एस की वैल्यू को क्या ही डालना है, वन। अगर मान लो कैलकुलेट करने के लिए आ गया, समझ पा रहे हैं ना, तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एस की वैल्यू हाफ डाल के सॉल्व कर देना है, लेकिन ऐसा आएगा नहीं, केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्या भाई समझ पा रहे हैं कि आप लोग, यहां तक किसी को डाउट नहीं है। तो क्या हमने, क्या बताइए, थोड़ा सा आप लोग जानते होंगे कि हर एक ऑर्बिटल में भाई कितना ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, हर एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा बताइए पी ऑर्बिटल तीन प्रकार का है ना भाई, और तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, छह, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो तीन ऑर्बिटल में तो छह इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बताइए पी के कितने ऑर्बिटल है, पी का 5m की वैल्यू आ रही थी मतलब पांच ऑर्बिटल होंगे, और हर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो पांच ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10। इसलिए मैं आपको फॉर्मूला भी लिखाया था कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल तो कितना हो जाएगा, 10। समझ पा रहे हैं क्या। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, क्या डी सही है। अच्छा आप मुझे बताइए पहला गलत क्यों है, देखिए एन इक्वल टू फोर तो फोर सेल में चले जाएंगे, अब फोर सेल में जाएगा। अच्छा बताइए एन और एल में तो एन की वैल्यू हमेशा एल से बड़ी होनी चाहिए ना भाई, क्या वो उसके बराबर होना, एन और एल कभी भी बराबर हो ही नहीं सकता, तो क्या यहाँ में बराबर लिखा है, इसलिए पहला जो एड्रेस है वो तो बिल्कुल गलत है। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो एस कभी जीरो हो ही नहीं सकता भाई, या तो प्लस हाफ होगा या तो माइनस हाफ होगा, मतलब बी भी तो गलत ही लिखा गया है। और सी में देखेंगे, बताइए एल का वैल्यू तो फोर तो है, तो अगर एल की वैल्यू जीरो से लेके कहां तक हो सकती है, जीरो से लेके थ्री तक, और जीरो से थ्री में तो टू तो है, और एम की वैल्यू बताइए कहां से, एम तो एल पे डिपेंड करता है ना,
तो m की वैल्यू माइनस एल से प्लस होता है, मतलब m तो माइनस टू से प्लस टू के बीच में ही तो होगा, और ये लिखा है माइनस थ्री, जो पॉसिबल ही नहीं है, गलत यही में है। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? अच्छा बताइए, यहाँ में n का वैल्यू 5 हो सकता है, तो l की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक हो सकती है, 4 तक हो सकती है। अगर l का वैल्यू 2 है तो m माइनस टू से प्लस टू तक हो सकता है, और s तो प्लस हाफ हो गया या माइनस हाफ होगा, तो जो d लिखा है वो बिल्कुल गलत, सही सही लिखा है, d बिल्कुल सही है ना, बाकी a b c गलत है। क्या ऐसा अगर आएगा तो क्या आप लोग सही है या गलत है पता कर सकते हैं? चलिए दूसरा क्वेश्चन, इसका इसका देखो, थर्ड सेल में जाएंगे, थर्ड सेल में आप कौन सा सब सेल में, थ्री पी में, और थ्री पी में क्या आ गया, एम माइनस वन आ गया, तो माइनस वन या तो पी एक्स का हो सकता है या तो पी वाई का हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, थ्री पी एक्स, और थ्री पी एक्स हो सकता है या थ्री पी वाई हो सकता है, और सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा भाई, थ्री एस, क्योंकि एल इक्वल टू जीरो तो एस, और एस के लिए एम तो जीरो ही होता है। अब बताइए इसके लिए कौन सा सेल में जाएंगे, फिफ्थ सेल, कौन सा सब सेल, 5D, और 5D में जाना है जिसमें m क्या हो जाए, प्लस वन आ जाए। देखो याद रखना, पहले डी एक्स वाई होता है, एक्स वाई है, फिर एक्स वाई है, तो डी एक्स वाई या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए वैल्यू माइनस टू प्लस टू होती है, तो जो बच गई क्या क्या, उसके लिए या तो प्लस वन या तो माइनस वन, बताइए कौन कौन सा, 5D, कौन कौन सा, वाई जेड और 5D जेड एक्स। समझ में आया है? एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन फिफ्थ सेल। फाइंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन फिफ्थ सेल, फाइंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन फिफ्थ सेल। चलिए इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, एक तो डायरेक्टली बता सकते हैं, फॉर्मूला भी यूज हो सकता है, या तो डायरेक्टली, अब देखिए ऑर्बिटल पूछा है, डब्बा पूछा है कि फिफ्थ सेल में कितने डब्बा होंगे, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आप पहले देखिए फॉर्मूला से, फॉर्मूला अगर मान लो याद नहीं है तो प्रोसेस से करेंगे, अगर बताओ फिफ्थ सेल है तो कितने सब सेल होंगे, जितना सेल उतना ही तो सब सेल होता है, तो बताइए अगर सेल मतलब फिफ्थ सेल है तो बताइए इसके कितने सब सेल होंगे भाई, पांच ही तो होगा, कौन कौन सा, 5s, 5p, 5d, 5f, 5g, होगा कि नहीं होगा, तो बताइए अब थोड़ा सा ध्यान देना, बताइए s ऑर्बिटल कितना टाइप्स का होता है भाई, 1, p के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, डबल तो 3 ही होता है, और d का कितना होता है बताइए, 5, इसका कितना होता है 7, तो इसका कितना होगा 9। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? और सबको ऐड कर देंगे तो हमारा तो ऑर्बिटल निकल ही जाएगा, क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? तो बताइए ऑर्बिटल कितनी आ गई, 25। अच्छा बताइए हर एक डब्बा में कितना इलेक्ट्रॉन फिल होता है, दो, हर एक डब्बा में कितना इलेक्ट्रॉन फिल होता है, दो। अच्छा थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या इससे अच्छा क्या था, कैसे भी कर सकते थे, थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मैं बोलूं कि हमारा मान लो इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन फिल, मान लो देखो हर एक इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए हर एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, समझ पा रहे हैं ना, तो अगर मैं बोलूं कि 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसको कितना डब्बा दिया जाए, 10 इलेक्ट्रॉन है मतलब हर एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन को फील्ड करने के लिए कितने डब्बा खाली होने चाहिए, पांच ही तो खाली होना चाहिए ना भाई। अगर मैं बोलूं 20 इलेक्ट्रॉन को फील्ड करना है तो कितने डब्बा खाली होने पड़ेंगे, 10, तो क्या आपने 20 को 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। तो अगर मैं बोलूं हमारे पास में 50 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 50 इलेक्ट्रॉन, और 50 इलेक्ट्रॉन को फील करने के लिए कितने खाली डब्बा चाहिए, 25, तभी तो हर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, तो 25 ऑर्बिटल में तो 50 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई? तो क्या आप मुझे बताइए क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल का एक फॉर्मूला था, क्या भाई सेल नंबर तो दिया है ना, फिफ्थ सेल में है, तो बताइए फिफ्थ सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करेंगे, फॉर्मूला इज 2n2, तो क्या उतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो उसका ऑर्बिटल तो पूछा है ना भाई, तो अगर मैं बोलूं हमारे पास 50 इलेक्ट्रॉन है तो कितने ऑर्बिटल चाहिए, 25, मतलब 50 डिवाइड बाई 2 ही तो करना होगा ना, तो अगर बताइए मेरे पास में मैक्स इतना तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है,
और उसको रखने के लिए ऑर्बिटल कितना चाहिए, 2 से डिवाइड कर देंगे तो बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर मतलब एन का वैल्यू 5 है ना भाई, फिफ्थ सेल, तो ऑर्बिटल भी कितना हो जाएगा, 25। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, क्या आप यहाँ से एन का वैल्यू डाल के आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते थे 2n² से, तो क्या 50 आएगा? और उसको रखने के लिए कितना चाहिए बताइए, ऑर्बिटल कितना चाहिए, 25। तो आप एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनएच सेल, तो क्या फॉर्मूला था भाई, 2n² तो इलेक्ट्रॉन था, 2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर क्या आ गया, n²। तो डब्बा निकालने का फॉर्मूला क्या है, n², इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2n². क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई? उसी प्रकार अगर मान लो हम लोगों को एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल, क्या सब सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 × 12 + 1, तो उसके ऑर्बिटल कितने होंगे भाई, जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए। अरे भाई समझे नहीं समझे, तो बताइए अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल, फॉर्मूला क्या था बताइए, 2 × 12 + 1, ये तो इलेक्ट्रॉन था, 2 से डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 12 + 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सब सेल, कोई भी सब सेल में कितना ऑर्बिटल होगा उसका फॉर्मूला क्या है, 12 + 1, याद रखिएगा। जैसे ध्यान से सुनो, बताओ एस कितना होता है, एस ऑर्बिटल कितना प्रकार का होता है, जोर से बोलिए कितना होता है, 1। पी ऑर्बिटल कितना प्रकार का, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, तो यहां में 1 डालेंगे तो 2 × 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3। समझ पा रहे हैं आप? तो ये तो आपको डायरेक्टली याद होता है, लेकिन कभी कभी फॉर्मूला पूछ देगा, तो फॉर्मूला पूछ देगा तो याद होना चाहिए। ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, 12 + 1, और इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला, अरे भाई जितना ऑर्बिटल उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 × 12 + 1। उसी प्रकार मैक्सिमम ऑर्बिटल अगर सेल नंबर दिया है, ऑर्बिटल पूछेगा तो फॉर्मूला इज n², और इलेक्ट्रॉन पूछ देगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2n². क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? तो कोई भी सेल देके अगर ऑर्बिटल पूछेगा तो फॉर्मूला इज n², सब सेल देके आपको ऑर्बिटल पूछेगा तो फॉर्मूला इज 12 + 1। मुझे नहीं लगा समझ में आया, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी हो गया, चलिए कॉपी हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे फाइंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल, फाइंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल, फाइंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन थर्ड सेल, फाइंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन थर्ड सेल विथ m इज इक्वल टू -1। फाइंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन थर्ड सेल विथ m इज इक्वल टू -1। क्या बोला है, थर्ड सेल में ऑर्बिटल बताइए जिसका m की वैल्यू कितनी हो, -1, ऐसा कितने ऑर्बिटल है, कितना सॉल्व करो भाई जल्दी से। भाई तुम लोग सेल दिया है, क्या सेल के अंदर सब सेल में चले जाएंगे, और सब सेल में देखना है कि m की वैल्यू -1 ऐसे कितने ऑर्बिटल में आ रही। भाई कौन सा सेल है बताओ, थर्ड सेल है ना, n इज इक्वल टू 3 है, तो बताओ कितने सब सेल होंगे, 3, कौन कौन सा, 3s, 3p, 3d होगा कि नहीं होगा? और बताइए 3s तो एक ही होता है, और 3p के कितने डब्बा होते हैं, 3, और d के कितने होते हैं भाई, 5। और बोला क्या कि इसके कितने ऐसे ऑर्बिटल हैं जिसकी m की वैल्यू -1 है, बताइए क्या इसके लिए तो -1, 0, +1 होता है, और इसके लिए बताओ -2, -1, 0, 1, 2, तो ऐसे कितने ऑर्बिटल है, एक तो ये वाला ऑर्बिटल है और दूसरा एक ऑर्बिटल है, तो ऐसा कितने आंसर होंगे, दो, दो ही ना ऑर्बिटल होंगे जिसका m की वैल्यू -1 होगी। क्या दिमाग में कुछ और ख्याल चल रहा है तो पूछ लीजिए, आपको लग रहा था कि m तो ये भी हो सकता है भाई, अरे भाई m तो हर एक ऑर्बिटल में m की तो एक ही ना वैल्यू होगी भाई, अगर आप इसको -1 मानेंगे तो दूसरा को +1 मान सकते हैं, अगर इसको +1 मानेंगे तो दूसरा को तो -1 ही मानना पड़ेगा ना, एक ही ना होगा, नहीं समझे तो बताओ कितना आंसर होगा, दो। तो ऐसे कितने ऑर्बिटल हैं जिसका एम का वैल्यू -1 है, दो ऑर्बिटल। चलिए लिखिए हाउ मेनी सबसेल आर पॉसिबल, हाउ मेनी सबसेल आर पॉसिबल, हाउ मेनी सबसेल आर पॉसिबल,
हाउ मेनी सबसेल आर पॉसिबल फॉर फॉर एन प्लस एल इज इक्वल टू सेवन, एन प्लस एल इज इक्वल टू सेवन, हाउ मेनी सबसेल आर पॉसिबल फॉर एन प्लस एल इक्वल टू जीरो, बस एन प्लस एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो ऐसे कितने सबसेल हैं जिसमें एन प्लस एल की वैल्यू क्या हो जाए, सेवन। अच्छा आप मुझे बताइए क्या एन प्लस एल सेवन है, तो क्या एन और एल में कौन बड़ा हो सकता है, एन, क्या एल की वैल्यू हमेशा एन से कम होनी चाहिए ना, क्या आप जानते हैं क्या एन की वैल्यू हमेशा एल से तो ज्यादा ही होना चाहिए ना। अब मुझे बताओ, अब तुमने एन का वैल्यू को सेवन करा, एल की वैल्यू जीरो, क्या ये सेवन आ सकता है। अच्छा बताइए एन का वैल्यू आपने सिक्स रखा, एल की वैल्यू वन रखा, क्या तभी भी सेवन आ सकता है, अरे भैया आ सकता है, नहीं आ सकता। अब एन की वैल्यू आपने फाइव रखा, एल की वैल्यू टू रखा, क्या सेवन आ सकता है। एन की वैल्यू आपने फोर रखा, एल की वैल्यू थ्री रखा, क्या ये भी सेवन हो सकता है। क्या एन की वैल्यू थ्री रखा, एल की वैल्यू फोर, क्या ये पॉसिबल है, क्या नहीं, तो ऐसे कितने सबसेल होंगे, चार। कौन कौन सा, ये कौन सा हो जाएगा भाई, सेवन एस, ये क्या हो जाएगा सिक्स पी, ये क्या हो जाएगा फाइव डी, और ये क्या हो जाएगा फोर एफ, तो ऐसे कितने सबसेल पॉसिबल है, चार। तो करेक्ट आंसर इज चार, हो गया होगा कॉपी। तो अब नेक्स्ट हेडिंग में लिखना है नोड किसको बोलते हैं, चलिए ठीक है कॉपी भाई, देखिए कल ही हमको खत्म करना है ना, तो आज हम लोग क्या करेंगे, अबव रूल और एन प्लस एल दो रूल पढ़ लेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में दो रूल पढ़ के चैप्टर को खत्म करेंगे, क्या यहाँ तक क्लियर हो गया ना भाई। चलिए तो आइए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग को नेक्स्ट हेडिंग में लिखना है नोड, देखिए क्या पहला नोड में हम लोगों को जानना है, रेडियल नोड बोलो, स्फेरिकल नोड बोलो, नोडल सरफेस बोलो, बात बराबर है। और यहाँ में क्या होता है भाई, एंगुलर नोड होता है और नोडल प्लेन होता है, ठीक है। अच्छा देखिए क्या है इसका मतलब, नोड का मतलब क्या है, ठीक है समझ पा रहे हैं क्या आप लोग, क्या क्या समझ में आ रहा है। पहला है तो रेडियल नोड है, रेडियल नोड बोलो, स्फेरिकल नोड बोलो, या क्या बोलना है नोडल सरफेस, या तो यहाँ में क्या बोलेंगे एंगुलर नोड बोलेंगे या नोडल प्लेन बोलेंगे, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो पहले हमको समझना पड़ेगा नोड क्या होता है। तो देखिए ऑर्बिटल क्या है भाई, ऑर्बिटल एक रीजन होता है जहां में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, क्या समझ पा रहे हैं ना, ऑर्बिटल एक रीजन होता है। ऑर्बिटल क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल एक रीजन होता है, एक थ्री डायमेंशनल रीजन होता है जहां में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। जैसे अभी आप लोग का इस क्लासरूम में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम। अगर आपके पेरेंट्स आपको ढूंढे तो उनका अभी आपको यहाँ कहाँ मिलने की चांसेस ज्यादा है, क्लासरूम में। अब मुझे बताइए आप लोग का क्लासरूम में तो मिलने का चांसेस ज्यादा है, लेकिन क्या आप क्लासरूम का हर जगह पाए जाएंगे, नहीं। क्या जैसे मान लो मैं बोलूँ पंखा पे पाए जाएंगे, नहीं। क्या यहाँ पाए जाएंगे, नहीं। क्या एक पर्टिकुलर रीजन में ही तो आप पाए जाएंगे भाई। देखो ये तो हमारा ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में बहुत जगह होगा ना भाई, क्या हर जगह आप पाए जाएंगे, क्या नहीं पाए जाएंगे। तो देखो उस ऑर्बिटल का पार्ट जहां में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है उसी का नाम है नोड, क्या नाम है नोड, क्या आप समझ पा रहे हैं ना। देखो ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, क्या सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, मान लो ये ऑर्बिटल है, क्या इलेक्ट्रॉन हर जगह पाया जाता है, क्या नहीं, हर जगह नहीं पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन कहीं पाया जाता है, बाकी जगह खाली होता है, और वो जगह ना भाई वो थ्री डायमेंशनल भी होता है और टू डायमेंशनल भी होता है, वो जो खाली जगह है ना भाई वो थ्री डी में भी होता है और टू डी में भी होता है। जब वो खाली जगह थ्री डी में होता है तो उसका नाम होता है रेडियल नोड, स्फेरिकल नोड या नोडल सरफेस, समझ पा रहे हैं ना भाई। और जब वो टू डायमेंशन में खाली जगह होता है तो उसका नाम क्या होता है, एंगुलर नोड या नोडल प्लेन। नोड क्या है पहले ही समझ में आ गया ना भाई, वो ऑर्बिटल का पार्ट, वो ऑर्बिटल का रीजन जहां में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, और वो जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, जो वेकेंट जो खाली जगह है वो थ्री डी में भी होता है और टू डी में भी होता है, और जब थ्री डी में होता है खाली जगह तो नाम क्या हो जाता है, रेडियल नोड, स्फेरिकल नोड और नोडल सरफेस। जब 2D में खाली जगह होता है तो नाम क्या हो जाता है बताइए, एंगुलर नोड या नोडल प्लेन। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई,
पहला वाला का तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना है, इसका फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। रेडियल नोड का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस वन। क्या है भाई? n माइनस एल माइनस वन। लेकिन हमारा जो एंगुलर नोड या नोडल प्लेन का फॉर्मूला निकालने का है l। क्या होता है बताइए? l। तो बताइए टोटल नोड क्या होगा? बताइए टोटल नोड क्या हो जाएगा? क्या दोनों को तो ऐड कर दिया जाए तो टोटल नोड निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए? n माइनस एल माइनस वन प्लस एल। तो बताइए टोटल नोड का फॉर्मूला क्या है? n माइनस वन। टोटल नोड का फॉर्मूला क्या है? n माइनस वन। लेकिन देखिए अब हमको समझना पड़ेगा कि नोडल प्लेन क्या है। अब आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, इसका तो कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है भाई, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। अब नोडल प्लेन के बारे में समझना है हम लोग। क्या समझ पा रहे हैं भाई? कॉपी कर लीजिए पहले इसको। नोड क्या होता है भाई? क्या बताइए? नोड वो जगह होता है जहां में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। अब इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है जो ऑर्बिटल के अंदर में खाली जगह होता है, वो टू डायमेंशन में भी होता है और थ्री डायमेंशन में भी होता है। और थ्री डायमेंशन का नाम क्या है भाई? रेडियल नोड, स्फेरिकल नोड, नोडल सरफेस। और टू डायमेंशन वाला जो जगह है उसका नाम क्या है? एंगुलर नोड या नोडल प्लेन। समझ पा रहे हैं कि आप लोग? चलिए तो क्या यहाँ तक कॉपी हो गया? मैं आगे बढ़ू? क्या आगे बढ़ा जाए? चलिए ध्यान देंगे भाई। रेडियल नोड का फॉर्मूला जल्दी बताइए, एन माइनस एल माइनस वन। और एंगुलर नोड का फॉर्मूला एल टोटल नोड एन माइनस वन, टोटल नोड एल माइनस। अगर मान लो ये ऑर्बिटल है और यहां में आपको निकालना है रेडियल नोड। क्या निकालना है भाई? रेडियल नोड, आर एन मतलब रेडियल नोड। बताइए मान लो लिखा है 4p। क्या लिखा है बताइए? 4p। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला तो क्या ही होता है? एन माइनस एल माइनस वन। तो बताओ यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है? 4p के लिए एल की वैल्यू कितनी है होती है? अरे भाई पी एल के लिए वन। हाँ अरे भाई तो एन एल पी एक्स से एम ना निकलेगा भाई, एल तो पी के लिए, तो एल की वैल्यू तो वन ही ना रहेगी। बताइए तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? अगर 5dyz लिखा है तो बताओ, तो रेडियल नोड निकालना है। रेडियल नोड तो एल एन माइनस एल माइनस वन तो होता है, एन की वैल्यू कितनी है? और बताइए डी के लिए, डी ना लिखा है, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई? क्या इससे क्या ये समझ में आया कि हमारा रेडियल नोड हमेशा 2 होता है? क्या ये दिमाग में बैठा लिए? नहीं भाई, मैंने निकाला हर केस में 2 आया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 आएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई? जैसे मान लो यहाँ में लिखा है 7s, क्या लिखा है तो बताओ क्या आ जाएगा? 7 माइनस 0 माइनस 1 तो क्या आ गया? 6। कुछ भी आ सकता है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? अच्छा बताइए इसके लिए, बताइए अगर रेडियल नोड निकल गया तो एंगुलर नोड बताओ, इसके लिए एंगुलर नोड कितना? 1। एल की वैल्यू होती है इसके लिए एंगुलर नोड 1। और इसके लिए, और इसके लिए 0। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? टोटल नोड। टोटल नोड तो एन माइनस वन होता है, एन से भी निकाल सकते हैं। या 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। 3 और यहां में क्या हो गया? 4। और यहां में क्या हो गया? 6। अब केवल समझना है नोडल प्लेन। मुझे लग रहा है दिमाग में कुछ कुछ ख्याल आ रहा है आप लोगों का, केवल बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो केवल हम, चलो 10 मिनट आप ध्यान दीजिए, नोडल प्लेन के बारे में पढ़ के क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है? कोई बोलेगा नोडल प्लेन क्या है, तो वो टू डायमेंशनल स्पेस जहां में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। समझ पा रहे हैं ना भाई? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नोडल प्लेन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेंगे एस के लिए, एस सबसेल के लिए। अच्छा बता एस के लिए तो एल की वैल्यू कितनी होती है भाई? 0। अगर एल 0 है तो बताइए उसका शेप तो कैसा होता है? स्फेरिकल। तो उसका नोडल, स्फेरिकल मतलब हर जगह एक ही जैसा है, तो उसका नोडल प्लेन 0 ही होता है। समझ पा रहे हैं ना? नोडल प्लेन एस का तो एक जैसा ही है ना हर जगह, तो उसका नोडल प्लेन क्या होता है? 0। तो एस के लिए नोडल प्लेन क्या ही होता है बताइए? 0। पी के लिए देखेंगे, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी हो गई? 1। अच्छा बताओ पी के लिए एल की वैल्यू 1 हो गई तो एम की वैल्यू तो क्या 3 आएगी? -1 0 1। तो बताओ पी के ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं? 3 3। क्या आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या एक पी एक्स होता है, क्या एक पी वाई होता है, क्या एक पी जेड होता है? थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या ये पी ए, ये एक्स हो गया, क्या ये हमारा वाई एक्सिस हो गई, क्या ये हमारा जेड एक्सिस हो गई? तो बताओ ये हमारा क्या हो जाएगा? पी एक्स। ये क्या हो जाएगा? पी वाई। और ये क्या हो जाएगा? पी जेड।
तो देखिए वो नोड मतलब वो जगह वो टू डायमेंशनल स्पेस जहां में इलेक्ट्रॉन की पायदान की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो, उसी प्लेन का नाम क्या होता है, नोडल प्लेन। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई? अच्छा बताइए ये इलेक्ट्रॉन कहाँ में है बताइए। प्लेन बेसिकली तो तीन ही होता है, एक तो क्या एक्स वाई, क्या होता है बताओ, एक्स से वाई, एक्स और वाई से मिलके बना प्लेन को क्या बोलते हैं, एक्स वाई जेड होता है ना भाई। देखो एक्स एक्स वाई प्लेन होता है, एक्स जेड प्लेन होता है और वाई जेड प्लेन होता है, होता ही नहीं होता है। अब मुझे मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन पीएक्स कहाँ में है बताइए, पीएक्स में है। इलेक्ट्रॉन कहाँ में है, पीएक्स में, तो कहाँ कहाँ नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन देखो इसके लोब तो अलोंग द एक्सिस है ना भाई, अगर मान लो ये लोब हमारा एक्स पे है तो एक्स से कितना प्लेन बना, एक्स से वाई प्लेन बना और एक्स से जेड प्लेन बना, क्या उसमें ये लोब लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। लेकिन क्या बताओ इस जगह में इसके लोब लाई करेंगे, नहीं लाई करेंगे भाई। थोड़ा सा देखना है, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा वही तो प्लेन का नाम क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन। समझ पा रहे हैं ना? तो आप मुझे बताइए जैसे मान लो लिखा है पीएक्स, क्या इसके लोब अलोंग द एक्सिस है ना, अब बताओ क्या ये एक्सिस क्या इधर इस प्लेन में है कि नहीं है, क्या ये प्लेन में है कि नहीं है, क्या इधर है क्या। अच्छा तुम बोलते तो आप तो ऐसे बना रहा था भाई, ये तो प्लेन का परपेंडिकुलर ना होता है, एक प्लेन का परपेंडिकुलर, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, इसमें नहीं आएगा, मतलब वही उसका नोडल प्लेन कहलाएगा। बताइए इसका नोडल प्लेन क्या है, बताओ पीएक्स का नोडल प्लेन क्या है। सबसे आसान तरीका एक्स में तो है, क्या क्या एक्सिस बच गई है, वाई और जेड, वही उसका नोडल प्लेन, बताओ कौन कौन सा, वाई जेड। इसका नोडल प्लेन क्या है, वाई जेड, नोडल प्लेन क्या हो जाएगा, वाई जेड। बताओ इसका नोडल प्लेन वाई वाला में है तो क्या क्या बच गई है, एक्स और जेड, तो नोडल प्लेन बताइए क्या होगा, एक्स जेड। और इसका नोडल प्लेन बताओ कौन सा, क्या क्या, एक्स वाई। भाई आप स्ट्रक्चर तो पहले भी बनाए थे ना, वहीं में लिख दीजिए, क्यों बार बार बनाने का जरूरत है, बोलो क्लियर है क्या। तो हाँ लिख लीजिएंगे, लिख लेंगे आप लोग वहां में, अगर पी एक्स लिखा है तो एक्स में है तो क्या बच गया, कौन कौन सी एक्सिस, वाई और जेड, वही उसका नोडल प्लेन हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? जल्दी से एक और समझना है, डी वाला, ठीक है, क्या कॉपी हो गई होंगी, क्या डायग्राम नहीं बनाया, डायग्राम ऑलरेडी पहले भी बना चुके हैं, वही में आपको नीचे में लिख लेना है नोडल प्लेन बोल के। तो अगर कोई पूछेगा बताइए पीएक्स की कितने नोडल प्लेन, तो एक नोडल प्लेन, पीवाई का कितना, एक, और पीजेड का भी कितना, एक। क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए जल्दी से डी वाला देख लेते हैं भाई, बताओ डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, डी के लिए एल की वैल्यू तो कितनी होती है भाई, टू, होती नहीं होती, होती है, तो एम का पांच वैल्यू आती है, और एम का जब पांच वैल्यू आएगा तो इसके पांच ऑर्बिटल बनेंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ऐसा होगा कि नहीं होगा। और आप थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं भी क्यों बार बार डायग्राम बनाऊं, ऑलरेडी बनाया ही गया था है ना, आप लोग नहीं बनाएंगे तो मैं भी नहीं बनाऊंगा है ना। अब थोड़ा सा यहाँ में ध्यान देना भाई, अब देखो यहाँ में जो लोब है वो किसके किसके बीच में है, एक्स वाई, मतलब देखो एक्स और वाई के बीच में है ना, बिटवीन द एक्सिस है, तो इसके जो चारों लोब है वो कौन सा प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा, कहाँ कहाँ में होगा भाई, एक्स वाई प्लेन में होगा, कौन सा प्लेन में नहीं। अच्छा बताइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करो भाई, देखो मान लो लिखा है एक्स वाई जेड, क्या आप समझ पा रहे हैं ना, तो ये जो चारों लोब बनाया गया है वो कौन सा प्लेन में बनाया गया है, एक्स वाई प्लेन, इस प्लेन में बनाया गया है। इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ नहीं पाया जाएगा भाई, इस प्लेन में नहीं पाया जाएगा, इस प्लेन में नहीं पाया जाएगा, क्या आप समझ पा रहे हैं क्या, तो बताओ क्या हो जाएगा इसका। अच्छा देखो आसान तरीका क्या है, एक्स लिखा है वाई लिखा है ना भाई, तो एक्स वाई लिख दो, क्या बच गया है, जेड, तो इधर भी जेड लिख दो, इधर भी जेड लिख दो, तो इसके दो नोडल प्लेन कौन कौन से, एक्स जेड वाई जेड, क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई, बताओ इसके नोडल प्लेन कितना होगा। तो फिर ये है नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, ये इसके दो नोडल प्लेन बताइए, और इसके क्या होगा बताओ, क्या क्या लिखा है, वाई लिखेंगे जेड लिखेंगे, वाई लिखेंगे और जेड लिखेंगे, क्या छूट गया, एक्स, तो इसके भी साथ एक्स और इसके भी साथ एक्स, एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो, बात तो बराबर ही है, क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई, तुम नहीं समझा ऐसा लग रहा है, समझा इसका बताइए जल्दी से, इसका देखो यहां में लिखेंगे जेड, यहां में लिखेंगे जेड, यहां में लिखेंगे जेड, और यहां में क्या लिखेंगे भाई, एक्स, क्या दोनों के साथ में चिपका देना है, वाई वाई, तो ये इसका नोडल प्लेन, समझ पा रहे हैं क्या, केवल इसके लिए भाई, ये तीनों के लिए ऐसा काम करना है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स के लिए। लेकिन अब अगर हम लोग बात करें भाई, ध्यान दीजिए,
क्या बोला गया है, वाई जे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो क्या यहाँ में लोग अलोंग द एक्सिस है ना, तो इसका जो नोडल प्लेन होता है बताइए क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, इसका नोडल प्लेन क्या होगा। देखिए यहाँ में जो है ना भाई, थोड़ा सा आप ध्यान दे रहे हैं, तो यहाँ में तो एक्स लिखा है, यहाँ में वाई लिखा है, यहाँ में लोब अलोंग द एक्सिस है, देखो ये वाला, तो अगर ये लोब है तो वाई से जेड, वाई जेड प्लेन में भी है और एक्स वाई प्लेन में भी, सारे प्लेन में है, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, किस प्लेन में नहीं होगा, ये दो प्लेन में नहीं होगा, समझ पा रहे हैं ना। देखिए कौन सा वाला लाइन, ये जो बनाया जा रहा है ना, यहाँ में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की, दोनों एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। अरे भाई वो एक्सिस पे ना लाई कर रहा है, एक्सिस के बीच में लाई नहीं करता है, इसलिए इसके दो नोडल प्लेन होते हैं, कौन कौन, ये वाला, लेकिन इसका कोई नाम डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग बोल देते हैं इसके नोडल प्लेन कितने होंगे, दो। और अच्छा से बोला जाए तो बताइए, अगर आप लोगों को मालूम होता है, क्या ये लाइन का इक्वेशन है, क्या क्या ओरिजिन से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन है, क्या तुम लोग पढ़ चुका है, वाई इक्वल टू एम एक्स होता है कि नहीं होता है, तो बताओ ये कौन सी वाली लाइन है, वाई इज इक्वल टू एक्स, और ये कौन सी वाली लाइन है, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो इसके दो नोडल प्लेन कौन कौन से है, वाई इज इक्वल टू एक्स और वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, समझ पा रहे हैं क्या। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसके नोडल प्लेन क्या है भाई, ये देखो ये डी जेड स्क्वायर है ना भाई, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो हर एक्सिस में ना घूम लेगा भाई, तो कहीं हर जगह इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, तो इसका नोडल प्लेन क्या हो गया, जेड ई आर ओ जीरो। तो याद रखना है कौन सा डी ऑर्बिटल है जिसका नोडल प्लेन जीरो होता है, डी जेड स्क्वायर, कौन सा डी ऑर्बिटल जिसके दो नोडल प्लेन डी एक्स स्क्वायर वाई, देखो बाकी यहां से लेके यहां तक के क्या सबके दो दो नोडल प्लेन हो गए, बाकी इसका जीरो होगा, तुम समझा नहीं समझा, कॉपी कर लेंगे। रूल फॉर इलेक्ट्रॉन फिलिंग, क्या ये पढ़ा दिया जाए, अभी छोड़ दिया जाए, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रूल फॉर इलेक्ट्रॉन फिलिंग। तो अच्छा थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज करा दूं, आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए हमने शुरुआत यहां में किया था कि मान लो कोई भी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब देखो जो एड्रेस पे लिखा लिखा गया, मान लो यहां में जो कुछ लिखा गया है ना, अब आप समझ जाएंगे, थोड़ा सा समझ पा रहे हैं क्या भाई, जैसे मान लो आप लिखा है भाई, यहां में ध्यान दीजिए, एन इज इक्वल टू फाइव, एन इज इक्वल टू फाइव, एल इज इक्वल टू टू, एम इज इक्वल टू जीरो और एस इज इक्वल टू प्लस हाफ, तो आप अब एग्जेक्ट उसका एड्रेस बता देंगे, क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई, जैसे आप मुझे बताइए कौन सा सेल में जाएंगे, फिफ्थ सेल में, कौन सा सेल में, फिफ्थ सेल में जाएंगे तो कितने सब सेल मिलेगा, पांच, कौन कौन सा सब सेल मिलेगा, 5s, 5p, 5d, 5f, 5g मिलेगा ना भाई, लेकिन उसके बाद तुमको कहां में जाना है, कौन सा सब सेल में जाना है, 5d, 5d में गए तो कितने बॉक्स मिला, पांच, और उसके लिए बताइए क्या m के वैल्यू जीरो होनी चाहिए, मतलब कहां में जाना है, पांच के तो dxy dyz, कहां में जाना पड़ेगा, जेड स्क्वायर में, और जैसे ही डी जेड स्क्वायर में गए तो भाई उसमें तो दो इलेक्ट्रॉन न रहता है, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, लेकिन वहां में जाना है जिसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, वन, मतलब कौन सी, ये वाला इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया जा रहा है जो इलेक्ट्रॉन ऊपर में है, इस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस ये चारों क्वांटम नंबर से डिफाइन हो गया, क्या आप समझ पा रहे हैं क्या, तो क्या आप लोग रिवाइज करना भी नहीं चाहते हैं। अच्छा अब थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का, बस मैं छुट्टी कर दूंगा, बताओ सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला 2n2, सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला 2 टाइम्स 2l+1, ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दो, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये सब पढ़ाने के बाद आपको क्या पढ़ाया गया था, एन के बारे में, एन किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, सेल के बारे में, ऑर्बिट के बारे में, सेल का साइज के बारे में, क्या रेडियस निकाली जा सकती है, कोई बोलेगा कि ऑर्बिट का साइज के बारे में कौन सा क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देता है, प्रिंसिपल, सबसेल का, ऑर्बिटल का शेप के बारे में कौन क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देता है, एजीमुथल, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन के बारे में, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन का रोटेशन के बारे में, स्पिन, क्या आप समझ पा रहे हैं भाई, बताइए सबसेल का फॉर्मूला क्या है, 0 to n-1, और m की वैल्यू क्या है, -l से +l, अगर मैं बोलूं एक मान लो इलेक्ट्रॉन हमारे पास में 100 है, तो 100 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए कितने सबसेल, कितने ऑर्बिटल चाहिए, 50 ऑर्बिटल चाहिए, 50 ऑर्बिटल चाहिए, समझ पा रहे हैं क्या, तो चलो आज के लिए इतना ही, आप लोग का चेहरा देख के लग रहा है छुट्टी कर देना चाहिए।